डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके मूवी फैक्ट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म, जिसे 2023 में रिलीज किया गया है। दोस्तों बात करें इस फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म का नाम है किसी का भाई किसी की जान। तो फैंस से फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। बताएंगे दोस्तों इस फिल्म को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए थे और इस मूवी ने रिलीज होने के बाद कितनी कमाई किया है, और फैंस से फिल्म हिट हुआ या फिर फ्लॉप हुआ है, इसकी जानकारी भी इस वीडियो में हम आपको देंगे। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। बताएंगे दोस्तों फिल्म में काम करने वाले मुख्य स्टार कास्ट को कितने पैसे दिए गए हैं, और दोस्तों ये फिल्म आपको फाइनली कहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, इसका जानकारी भी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं किसी की भाई किसी की जान फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म में सलमान खान, पूजा हेगड़े, वेंकटेश, उनके अलावा इस फिल्म में सहायक कलाकारों के रूप में कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें आपको ये फिल्म तमिल मूवी बिरम की रिमेक बनाई गई है, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। मूवी की फोटोग्राफर के बारे में हम बात करें तो मई 2022 में शुरू हुई थी और फरवरी 2023 में मुंबई में, हैदराबाद में, लद्दाख में फिल्मांकन के साथ समाप्त हुआ था। फिल्म के स्कोर के बारे में हम बात कर ले तो रवि बसरूर द्वारा तैयार किया गया है। किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल 2023 को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं देखने को मिली। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो फैंस इस मूवी ने दुनिया भर में 181 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है, जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो 23 मिलियन से अधिक की कमाई किया है डॉलर में। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी भाषा की फिल्म है और 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक बन चुकी है। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म से एक अच्छी उम्मीद थी कि फिल्म अच्छी कमाई करेगी। रिलीज होने के बाद दोस्तों मजबूत शुरुआत के बावजूद इसने व्यावसायिक रूप से कमजोर ही प्रदर्शन किया बॉक्स ऑफिस पे। निर्देशक के बारे में हम बात करें तो फरहाद सामजी ने शुरुआत में 2014 की तमिल फिल्म बीरम को अक्षय कुमार के साथ बचन पांडे से पहले इस फिल्म का नाम रखना चाहते थे टाइटल लैंड ऑफ लुंगी के रूप में रिमेक करने की उनकी मांग थी। हालांकि दोस्तों बाद में उन्होंने बच्चन पांडे फिल्म की पटकथा को बदलकर एक अन्य तमिल फिल्म जिगर थंडा की रिमेक बनाने का फैसला किया। जैसा कि दोस्तों बता दे नादिदवाला ग्रैंडसन्स एंटरटेनमेंट के पास दोनों फिल्मों के रिमेक अधिकार थे, जहाँ पे बताया गया था कि सामजी सर ने बीरम की कहानी को बदल दिया है और सलमान खान को खड़ा कर दिया है इस फिल्म में अभिनय करने के लिए। इसके बाद दोस्तों सलमान खान ने ये भी स्वीकार किया था कि बाद में नादिदवाला परियोजना से बाहर चले गए और सलमान खान को अधिकार दे दिए गए, जिन्होंने फिर अपने बैनर सलमान खान फिल्म के तहत फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को ईद के मौके पर किया गया था। 2020 को कभी ईद कभी दिवाली शीर्षक के साथ की गई थी, हालांकि बाद में इसे लंबे समय के लिए स्थगित कर दिया गया। और दोस्तों बता दें कोविड-19 महामारी के कारण कई प्री प्रोडक्शन देरी का सामना करना पड़ा फिल्म को, और बाद में इसे एक अधिक शीर्षक जो है भाईजान के साथ पुनर्जीवित किया गया। हालांकि अगस्त 2022 में फिल्म के आधिकारिक शीर्षक की घोषणा किसी का भाई किसी की जान के रूप में कर दिया गया। अब दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग 12 मई 2022 को मुंबई में शुरू किया गया था। बाद में बताया गया था कि जून में उत्पादन हैदराबाद में चला गया था। इसके बाद दोस्तों अगस्त के महीने में 2022 में लद्दाख में कुछ हिस्सों के साथ गाना फिल्माया गया था और फरवरी 2023 में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली गई थी। फिल्म के टीजर के बारे में हम बात कर ले तो 25 जनवरी 2023 को पठान के साथ रिलीज किया गया था और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 10 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। फिल्म को ईद के मौके पर 21 अप्रैल 2023 को नाटकीय रूप से फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म को दुनिया भर में 5,700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जिसमें भारत में 4,500 स्क्रीन मिले हुए थे। और दोस्तों बात करें विदेशों में तो 1,200 स्क्रीन इसको विदेशों में मिला हुआ था। इसके बाद दोस्तों फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन, एक्शन सीक्वेंस और
संगीत के साथ साथ जो है इसके निर्देशन और संवादों के लिए आलोचना किया गया था। रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दिया है और लिखा है कि किसी का भाई किसी की जान सलमान खान के प्रशंसकों के लिए एक आदर्श ईद उपहार वाली फिल्म है। इसके बाद दोस्तों इस फिल्म को एक और रिव्यूअर्स ने रिव्यू किया, इसका नाम है फर्स्ट पोस्ट। गणेश अग्रवाल ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दिया है और लिखा है अभिनेता सलमान खान दमदार संवादों और बड़े पैमाने पर एक्शन दृश्यों के संयोजन के साथ इस वेग और परम उपस्थिति के साथ मैं हमेशा जो है स्क्रीन पर राज करते रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों ब्लू सलमान खान की फिल्म एक जो है संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है और आपको बता दें फिल्म जिसकी जो है उनके प्रशंसकों ने कई वर्षों से उम्मीद की थी ऐसी मूवी के लिए। साथ ही साथ दोस्तों इंडिया टीवी की जुईता मित्र सुवर्ण ने फिल्म की समीक्षा किया और दोस्तों इन्होंने लिखा है कि किसी का भाई किसी की जान में एक है, मनोरंजन की सभी जो है सामग्रियां मौजूद है, जो एक्शन ड्रामा रोमांस और कॉमेडी जो सलमान खान की फिल्मों का पैटर्न होता है, विशेष रूप से सलमान खान की एंट्री और वेंकटेश की लड़ाई और रामचरण का कैमियो इसे देखने लायक बनाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रोनक कुटेचा ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया और लिखा ये सलमान खान स्टारर एक बार फिर अपने जो है कट्टर प्रशंसकों के लिए गैलरी में खेलते हैं खेल को और ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है लार्जर देन लाइफ के ऊपर ये फिल्म आ चुका है। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल इन ने लिखा है कि प्रसार में सलमान खान की फिल्म के सभी जो है बिष्ट तत्व शामिल है लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्मों की तुलना में अधिक जो है विवेकपूर्ण मात्रों में। द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रत गुप्ता ने भी लिखा हर सलमान खान का कथा हुआ है यानी कि फिल्म में काल्पनीय अब। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे सम्मान में यहाँ पे संस्करण दिया गया जो NDTV की सेबल चटर्जी ने विशाल अनुपात का उपहास लिखा फिल्म में। दोस्तों रेडिफ के सुकन्या वर्मा ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 1 स्टार रेटिंग दिया है और इन्होंने लिखा है अभिनेता सलमान खान अपने फॉर्मूले की रट में इतने यानकी गहरे हैं कि उन्हें पता है कि कुछ और जो है बंक करना ही एकमात्र तरीका हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों मोनिका रावल हिंदुस्तान टाइम्स के कुकरेजा ने लिखा है जोर से और बेहुदा जो है सलमान खान का यहाँ पे क्रिंग फेस्ट आपको देखने को जरूर अच्छी तरह से मिलता है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के बारे में शिलाजीत मित्रा ने लिखा है कि यहाँ पे कष्टप्रद उदासीन और अपने लुप्त होने के साथ जो सुपरस्टार के लिए खाली जो है स्त्रोत देखने को मिलता है। किसी का भाई किसी की जान ने अपने पहले दिन 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया था और दोस्तों फिल्म ने अंत तक दुनिया भर में 181 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है जो 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है भाईजान एक बहादुर व्यक्ति अपने 3 भाइयों इश्क मोह और उनके अलावा लव के साथ दिल्ली की एक कॉलोनी में रहते हैं और अक्सर जो है लड़ाई झगड़ों में वो फंस जाते हैं। भाईजान शादी के विचार से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी भाइयों के बीच जो है कुछ दरार पैदा कर सकती है। हालांकि दोस्तों छोटे भाई दिखावा करता है कि वह शादी नहीं करना चाहते हैं लेकिन उनके सभी गुप्त प्रेमी हैं जिसकी वजह से सुकून जो है यहाँ पे मुस्कान और उनके लिए खुशी चाहते हैं। भाइयों को नदीम चाचा के माध्यम से पता चलता है कि भाईजान जो है भाग्यलक्ष्मी से प्यार करते हैं लेकिन दोस्तों भाग्यलक्ष्मी नाम की एक लड़की है जिनसे वो प्यार करते हैं लेकिन दोस्तों आगे देखने को मिलता है कि भाई उसे खोजने की योजना बनाते हैं और अपने जो है रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए भाईजान से वो मिलने जाती है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अब शादीशुदा हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों आगे देखने को मिलता है कि उसका एक बेटा भी है। भाइयों ने भाग्यलक्ष्मी नाम की एक और महिला को खोजने की साजिश रची क्योंकि भाईजान को उस लड़की से इतना प्यार नहीं था जितना कि उसका नाम से था। जहां वह अंत में एक तेलुगु भाषी की यानी कि लड़की थी जहां पे आपको बता दें गुंडा मनेनी भाग्यलक्ष्मी नाम की एक और जो है लड़की से मिलते हैं और अंत में वह भाग्य और उनके अलावा भाईजान के प्यार में वो लड़की पड़ जाती है। कॉलोनी की देखभाल करने के लिए भाईजान यहाँ पे महावीर नाम के एक गुंडे से भिड़ जाते हैं। महावीर कॉलोनी पर हमला करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन भाईजान उनके प्रयासों को विफल कर देते हैं। इसकी वजह से आंध्र प्रदेश में भाग्य के गांव के ट्रेन में यात्रा करते समय भाईजान को पता चलता है कि भाग्य के भाई यहाँ पे गुंडा मनेनी बालकृष्णा वास्तव में हिंसा से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं।
इसके बाद दोस्तों आगे देखने को मिलता है कि कुछ गुंडे ट्रेन में प्रवेश करते हैं, लेकिन भाईजान सभी गुंडों को मारते हैं और भाग्य उस भाईजान को देखकर चौंक जाता है जिसे वह एक अहिंसक व्यक्ति के रूप में समझती थी, जहां वह अपने गांव जाने की कोशिश करती है। लेकिन भाईजान भाग्य को मना लेते हैं और बताते हैं कि वह फिर कभी हिंसा नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों आगे देखने को मिलता है भाईजान उसके भाई भाग्य के साथ जो है क्लीन शो लुक में भाग्य के गांव पहुंचते हैं, जहां उसका और उसके भाइयों का उसके परिवार द्वारा स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है। भाईजान उनके प्यार स्नेह और यहां पे अस्तित्व से प्रभावित होते हैं और भाईजान को पता चलता है कि कोई यानी कि कोटनी के साथ जो है गणेश्वर नाम का एक गुंडा बालकृष्ण और उनके परिवार को मारना चाहता है। इसके बाद दोस्तों भाईजान को भी यहाँ पे गिराने के लिए महावीर के साथ जो है शामिल हो गया था। ये सीकर बालकृष्ण गणेश्वर से क्षमा मांगते हैं और उन्हें पता चलता है कि नागेश्वर के पिता यहाँ पे रामेश्वर उसकी काफी जो है फैक्ट्री में नशीला पदार्थ जो है सप्लाई कर रहा था। बालकृष्ण जो पहले राउडी अन्ना नामक एक गुंडे थे, उन्हें जो है रामेश्वर के खिलाफ जो है शिकायत किया गया और शिकायत की, जिनकी जो है बाद में उनकी प्रतिष्ठा खराब होने के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। नागेश्वर ने अपने पिता की मृत्यु देखी थी अपने आंखों से और बालकृष्ण के खिलाफ जो है बदला लेने की कसम भी खाई थी, जिन्होंने बाद में भाग्य और उसके परिवार के लिए हिंसा छोड़ दी थी, जो इससे जो है अनजान थे भाईजान और उसका भाई जो है बालकृष्ण और उसके परिवार के साथ दिल्ली पहुंचते हैं, जहां नागेश्वर और महावीर उन पर हमला करते हैं। लेकिन भाईजान और एक बदले हुए बालकृष्ण नागेश्वर को मारने का प्रबंध करता है। भाईजान भी महावीर को मारने में कामयाब हो जाते हैं और अपने परिवार और कॉलोनी को बचा लेते हैं। और दोस्तों यही कहानी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन गाइस अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम इस फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेनिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपको रिव्यू देखना पसंद हो तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों बता दे, किसी का भाई किसी की जान की कहानी जो है सलमान खान के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि अपना जीवन एक कुंवारी के रूप में जीने के लिए प्रतिबंध है, ताकि वो अपने तीन छोटे भाइयों की देखभाल अच्छी तरह से कर सके। और दोस्तों इस फिल्म में भाईजान की जान उनकी असली भाई है और वह उनकी परम जो है प्राथमिकता है, जबकि उन्हें अपना जो है जीवन साथी मिल चुका है। एक भाईजान अभी भी अकेले उड़ रहे होते हैं, इसलिए वह उसके लिए एक मैच की तलाश शुरू कर देते हैं। भाग्यलक्ष्मी नाम के लड़की को वो लोग तलाशते हैं, जो पूजा हेगड़े इस किरदार को निभाई है, जो केवल बिल में फिट बैठती है। बल्कि दोस्तों बता दे, अपना नाम भाईजान की लंबे समय से जो है चली आ रही पूर्वक प्रेमिका के साथ जो है साझा भी करती है, लेकिन यहाँ पेंच यह है कि मैच जितना यानी कि दिखाया गया उससे कहीं जो है अधिक जटिल है, क्योंकि दोस्तों भाग्य के यहाँ पे हैदराबादी परिवार का एक यानी रहस्यमय और कला आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों ये एक बहुत यानी कि पतला कहानी है, जो बहुत कुछ यानी कि हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन वास्तव में जगह नहीं बना पाता। इसके साथ दोस्तों फिल्म के निर्देशक और सह लेखक के बारे में हम बात करें तो फरहाद सामजी की कहानी बहुत सारे खूनी एक्शन के साथ तर्क और सामान्य स्थिति की झलक दिखाती है। फिल्म में पहला भाग ऐसे दृश्यों के साथ आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं जो मजेदार होने का इरादा रखता है, लेकिन आपको बता दें जोरदार प्रदर्शन ज्यादा मदद नहीं करता। इंटरवल तक कहानी शुरू नहीं होती। तीन भाइयों लॉ सिद्धार्थ निगम, उनके अलावा इश्क राघव यानी कि उनके साथ जुयाल और मो जो है जस्सी गिल इस फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें कहानी आपको एक अच्छी जरूर देखने को मिलता है फिल्म में, लेकिन रास्ते में गर्म हो जाते हैं। और सामाजिक के बारे में हम बात कर ले तो सामजी अपनी पटकथा को बहुत सारे पात्रों के इसी के साथ दोस्तों बता दें ये मूवी साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्म में और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करते हैं और अपने महिला प्रेम के साथ जो है इस फिल्म में नासमझ और मनमोहक जो है मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण फिल्म में काफी शानदार तरीके से रखते हैं। इस बार दोस्तों भाईजान कुछ यानी के चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म की कुछ हंसी यानी की मजाक के पल है। और ये आपको बता दे स्टाइलिश एक्शन के साथ जो है ANA के साथ आरासू धारा तैयार किया गया है, जो इस फिल्म को एक हद तक जो है बदल सकता है जो पहले कभी ना देखे हो आप। इसके अलावा दोस्तों बता दें ये फिल्म एक स्टाइल वाले जो है स्टंट के साथ प्रत्येक यानी सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है मूवी को। दक्षिण के बारे में हम बात कर ले तो
दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी जो है पड़ाव पर इस फिल्म में कामयाब होते हैं। वेंकटेश फिल्म में यहाँ पे गुडा मनेनी के रूप में काफी शानदार प्रदर्शन दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बतला दें, एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं, जो अपने जो है प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। पूजा हेगड़े के बारे में हम बात कर ले तो पूजा हेगड़े की एक भावपूर्ण भूमिका है, इसे उन्होंने इस फिल्म के अंदर आत्मविश्वास से निभाया है। लेकिन दोस्तों ओवर द टॉप फिल्मी के बारे में हम बात कर ले तो हरकतों को कम कर दिया गया, क्योंकि अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल जो यहाँ पे रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है, जिसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम यानी कि गुंजाइश होती है। फिल्म में लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं, जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं, जहां खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली फिल्म में छोड़े हैं। सलमान खान अभिनीत की गई ये फिल्म एक बार फिर जो है उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेला गया है, क्योंकि ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है फिल्म में लॉर्ड जॉर्ज डेन के साथ इस फिल्म के अंदर लाइव एक्शन में काफी शानदार दिखते हैं। समस्या यह है फिल्म की कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है, क्योंकि बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी जो है सम्राट और सबसे कमजोर पटकथा को सलमान खान के स्टार पावर से मेल नहीं खाती, जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है। और यहाँ पे बता दे कुछ और भी चीज आपको देखने को मिलता है, जो फिल्म में काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड मेगास्टार सलमान खान की नवीनतम फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्म काफी शानदार कमाई करेगी। यहाँ पे सलमान खान की फिल्म में बता दे शादी न करने का फैसला है, क्योंकि वो अपने तीन भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों बता दे कहानी सलमान खान के इर्द गिर्द घूमता है। सलमान खान यहाँ पे एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं, और वह कुछ दृश्यों में अच्छे हैं, क्योंकि खासकर सेकेंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और इमोशनल दृश्यों में उनका अभिनय काफी अच्छा देखने को मिलता है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है फिल्म में, उनकी स्क्रीन उपस्थिति बहुत अच्छी है, और जैसे कि ऊपर कहा गया कि सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देता है देखने के लिए। पूजा हेगड़े काफी खूबसूरत दिखती है और वह उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक ठाक है, लेकिन इमोशनल सीन्स ने काफी हद तक जो है काम किया है। मेट्रो की लड़ाई के बारे में हम बात कर ले तो वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी शानदार है इस फिल्म की। इसके साथ दोस्तों एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो यहाँ पे केके बीकेके के साथ जो है औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि सलमान खान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड में रिमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई इनकी सोचेगा कि ये सलमान खान की फिल्म है या फिर वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य है जो आपको ऐसा महसूस होता है फिल्म में। कहानी में नवीनता का अभाव यह है कि कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है कि एक प्रेम दृश्य को दो यानी कि चेतावनी दृश्यों के बीच में काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि किसी बिंदु पर दर्शक कहेंगे कि क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलेन की याद दिलाता है। साथ ही साथ भूमिका चावला का अपनी इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे हैं, लेकिन गाने के कुछ स्थान जो है अनुपयुक्त है और वह कहानी के लिए यानी कि बधाव की तरह लगता है। चरमोत्कर्ष का हिस्सा के बारे में हम बात कर ले तो चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि यहाँ पे निर्देशक इससे बेहतर ढंग से लिखे है और निष्पादित करना चाहते थे फिल्म को। इसके बाद दोस्तों कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं है, लेकिन इसके बजाय कुछ यानी कि चेहरे के अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फरहाद सामजी यहाँ पे स्पर्श खेत्रपाल और ताशा जो भंबारा ने पटकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक है। हालांकि उन्हें सलमान खान के किरदार का ज्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनसे कुछ खास उम्मीद करते हैं।
निर्देशक फराज सामजी किसी का भाई किसी की जान को एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे, ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा गया है, जो KGF के साथ आपको बता दे प्रसिद्धि के रवि बसूर द्वारा इस कोर को यहाँ पे संभाला गया था। और बता दे मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है क्योंकि संपादन और बेहतर हो सकता था क्योंकि इसमें और भी कुछ अच्छी तरह से काम किया जा सकता था। कुल मिलाकर दोस्तों किसी का भाई किसी की जान बीरम की ईमानदारी रिमेक है जो अवसर दर्जे का प्लॉट है। दोस्तों इस फिल्म में पुराने देर से उबाऊ बना देता है, कुछ इमोशनल सीन आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर दोस्तों फिल्म देखने लायक है, एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। भले ही दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो लेखक विशेष प्रभाव फिल्म के साउंड और सिनेमा संबंधी जो ऐसे अन्य जो है गतिशील भागे होती है, लेकिन दोस्तों किसी की भाई किसी की जान के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म जो है वर्ष की सबसे अधिक कमाई करेगी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 181 करोड़ की ही कमाई किया है। ईद पर रिलीज होने के बाद इस मूवी ने इतनी कम कमाई किया है। दोस्तों फिल्म के बारे में लिखा गया कि ये एक मनोरंजन फिल्म है। एक आकांक्षी के बारे में लिखा गया कि यहाँ पे सांस्कृतिक जो है रिसेट है और खिड़की से बाहर तक जो है कि जैसे मामूली विवरणों को यहाँ पे चमकाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे अनिवार्य के रूप में यहाँ पे ये समाप्त होता है कि 144 मिनट की लंबी स्क्रिप्ट है, क्योंकि पहली बार जब हम सलमान खान को देखते हैं तो वह लंबे बालों और चमड़े का एक हाव में नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पे यीशु के प्रतिरूपण की तरह दिखाया गया है जो एक बाइकर गिरोह का भी हिस्सा है। अगले में आपको बता दें तो 142 मिनट के दौरान हमें जो है एक व्यवस्थित किए गए और साथ ही साथ दोस्तों कष्टदायी रूप से धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों शेडिंग में हमें ये मिलता है कि सबसे पहले लंबे बाल उनके दिखाए गए हैं, फिर दाढ़ी वाला लुक दिखाया गया है और चरमो तकर्ष में खान अपने जो है शॉर्ट के साथ जो है धूल भरी धरती से उठते हैं और अंत में आपको बता दें एप्स का थोड़ा सा सेट प्रकट करने के लिए भी खड़े होते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि कोई भी ये सोचेगा कि भाई आपके रुपए के लिए क्या होगा। कथित तौर पर दोस्तों अजीत स्टारर बीरम फिल्म 2014 की रिमेक है ये मूवी, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मोहब्बतें 2000 के लिए निर्देशक किए गए फरहाद सामजी के ओडी जैसा लगता है। इसके बाद दोस्तों इस मूवी उसके बाद राघव जुलाय होम जस्सी गिल और इसमें कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया का बड़ा भाई भाईजान इस फिल्म में है क्योंकि एक प्रतिबंध जो है अविवाहित है, जब तक कि वह खुद को पत्नी नहीं बना लेता, जब वह खुद अपनी पत्नी नहीं बना लेता तब तक जो है छोटी तिगड़ी जो है कपल होने का यानी कि सपना नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे मत पूछिए ये एक जो फराज सामजी की फिल्म है जहाँ पे तर्क की अपेक्षा करना काफी जो है मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के बजाय हमें पूजा हेगड़े भाग्य लक्ष्मी के रूप में मिलती है। इन्हें जो है भाईजान को नरम करने का काम सौंपा गया है। वह एक रूढ़िवादी यहाँ पे अच्छी तरह से अभिनय की है और उसका जो है असली नाम या फिर उसके बारे में कुछ भी जो है नहीं जानने के बावजूद भाईजान से वो प्यार करती है। दूसरी ओर वह यहाँ पे देखने को मिलता है कि वह संरक्षण रूढ़िवादी और यहाँ पे बहाली के बीच के अंतर को नहीं जानती है, इसीलिए शायद जो यहाँ पे अज्ञानता और वास्तव में आनंद है, जबकि जो है ये सब काफी शानदार है फिल्म में। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी का भाई किसी की जान फिल्म को, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये मूवी साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्म में और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करते हैं और अपने महिला प्रेम के साथ जो है इस फिल्म में नासमझ और मनमोहक जो है मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण फिल्म में काफी शानदार तरीके से रखते हैं। इस बार दोस्तों भाईजान कुछ जो है कि चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म की कुछ हंसी यानी कि मजाक के पल है और ये आपको बता दे स्टाइलिश एक्शन के साथ जो है ANA के साथ अरासू धारा तैयार किया गया है जो इस फिल्म को एक हद तक जो है बदल सकता है जो पहले कभी ना देखे हो आप। इसके अलावा दोस्तों बता दें ये फिल्म एक स्टाइल वाले जो है स्टंट के साथ प्रत्येक यानी सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है मूवी को। दक्षिण के बारे में हम बात कर ले तो दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी जो है पड़ाव पर इस फिल्म में कामयाब होते हैं। वेंकटेश फिल्म में यहाँ पे गुडा मनेनी के रूप में काफी शानदार प्रदर्शन दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने जो है प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। पूजा हेगड़े के बारे में हम बात कर ले
तो पूजा हेगड़े की एक भावपूर्ण भूमिका है। इसे उन्होंने इस फिल्म के अंदर आत्मविश्वास से निभाया है। लेकिन दोस्तों, ओवर द टॉप फिल्मी के बारे में बात कर ले तो हरकतों को कम कर दिया गया, क्योंकि अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल जो यहाँ पे रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है, जिसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम यानी की गुंजाइश होती है। फिल्म में लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं, जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं, जहां खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली फिल्म में छोड़े हैं। सलमान खान अभिनीत की गई ये फिल्म एक बार फिर जो है उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेला गया है, क्योंकि ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है फिल्म में लॉर्ड जॉर्डन के साथ इस फिल्म के अंदर लाइव एक्शन में काफी शानदार दिखते हैं। समस्या यह है फिल्म की कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है, क्योंकि बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी जो है साउंडर और सबसे कमजोर पटकथा को सलमान खान के स्टार पावर से मेल नहीं खाती, जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है। और यहाँ पे बता दे, कुछ और भी चीज आपको देखने को मिलता है जो फिल्म में काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान की नवीनतम फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्म काफी शानदार कमाई करेगी। यहाँ पे सलमान खान की फिल्म में बता दे शादी न करने का फैसला है, क्योंकि वो अपने तीन भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों बता दे, कहानी सलमान खान के इर्द गिर्द घूमता है। सलमान खान यहाँ पे एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं, और वह कुछ दृश्यों में अच्छे हैं, क्योंकि खासकर सेकेंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और इमोशनल दृश्यों में उनका अभिनय काफी अच्छा देखने को मिलता है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है फिल्म में। उनकी स्क्रीन उपस्थिति बहुत अच्छी है, और जैसे कि ऊपर कहा गया कि सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देता है देखने के लिए। पूजा हेगड़े काफी खूबसूरत दिखती है और वह उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक ठाक है, लेकिन इमोशनल सीन्स ने काफी हद तक जो है काम किया है। मेट्रो की लड़ाई के बारे में हम बात कर ले तो वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी शानदार है इस फिल्म की। इसके साथ दोस्तों, एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो यहाँ पे केके बीकेके के साथ जो है औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि सलमान खान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रिमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई इनकी सोचेगा कि ये सलमान खान की फिल्म है या फिर वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य है जो आपको ऐसा महसूस होता है फिल्म में। कहानी में नवीनता का अभाव यह है कि कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है कि एक प्रेम दृश्य को दो यानी कि चेतावनी दृश्यों के बीच में काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों, फिल्म में दिखाया गया है कि किसी बिंदु पर दर्शक कहेंगे कि क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों, बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलेन की याद दिलाता है। साथ ही साथ भूमिका चावला का अपनी इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे हैं, लेकिन गाने के कुछ स्थान जो है अनुपयुक्त है, और वह कहानी के लिए यानी कि बधाव की तरह लगता है। चरमोत्कर्ष का हिस्सा के बारे में हम बात कर ले तो चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि यहाँ पे निर्देशक इससे बेहतर ढंग से लिखे है और निष्पादित करना चाहते थे फिल्म को। इसके बाद दोस्तों, कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं है, लेकिन इसके बजाय कुछ यानी कि चेहरे के अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फरहाद सामजी यहाँ पे स्पर्श खेत्रपाल और ताशा जो भंबारा ने पटकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक है। हालांकि उन्हें सलमान खान के किरदार का ज्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनसे कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फराज सामजी किसी का भाई किसी की जान को एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे, ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा गया है, जो KGF के साथ आपको बता दे प्रसिद्धि के रवि बसूर द्वारा इस स्कोर को यहाँ पे संभाला गया था। और बता दे मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, क्योंकि संपादन और बेहतर हो सकता था, क्योंकि इसमें और भी कुछ अच्छी तरह से काम किया जा सकता था।
कुल मिलाकर दोस्तों किसी का भाई किसी की जान बिरम की ईमानदारी रिमेक है जो अवसर दर्जे का प्लॉट है। दोस्तों इस फिल्म में पुराने दृश्य उबाऊ बना देता है, कुछ इमोशनल सीन आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। कुल मिला के दोस्तों फिल्म देखने लायक है, एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। भले ही दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो लेखक विशेष प्रभाव, फिल्म के साउंड और सिनेमा संबंधी जो ऐसे अन्य जो है गतिशील भागे होती है, लेकिन दोस्तों किसी की भाई किसी की जान के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म जो है वर्ष की सबसे अधिक कमाई करेगी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 181 करोड़ की ही कमाई किया है। ईद पर रिलीज होने के बाद इस मूवी ने इतनी कम कमाई किया है। दोस्तों फिल्म के बारे में लिखा गया कि ये एक मनोरंजन फिल्म है। एक आकांक्षी के बारे में लिखा गया कि यहाँ पे सांस्कृतिक जो है रिसेट है और खिड़की से बाहर तक जो है कि जैसे मामूली ब्यूरोनों को यहाँ पे चमकाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे अनिवार्य के रूप में यहाँ पे ये समाप्त होता है कि 144 मिनट की लंबी स्क्रिप्ट है, क्योंकि पहली बार जब हम सलमान खान को देखते हैं तो वह लंबे बालों और चमड़े का एक हाव में नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पे यूसुफ के प्रतिरूपण की तरह दिखाया गया है जो एक बाइकर गिरोह का भी हिस्सा है। अगले में आपको बता दें तो 142 मिनट के दौरान हमें जो है एक व्यवस्थित किए गए और साथ ही साथ दोस्तों कष्टदायी रूप से धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों शेडिंग में हमें ये मिलता है कि सबसे पहले लंबे बाल उनके दिखाए गए हैं, फिर दाढ़ी वाला लुक दिखाया गया है और चरमों तकर्ष में खान अपनी जो है शॉर्ट के साथ जो है धूल भरी धरती से उठते हैं और अंत में आपको बता दें एप्स का थोड़ा सा सेट प्रकट करने के लिए भी खड़े होते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि कोई भी ये सोचेगा कि भाई आपके रुपए के लिए क्या होगा। कथित तौर पर दोस्तों अजीत स्टारर बिरम फिल्म 2014 की रिमेक है ये मूवी, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मोहब्बतें 2000 के लिए निर्देशित किए गए फरहाद सामजी के ओडी जैसा लगता है। इसके बाद दोस्तों इस मूवी उसके बाद राघव जुलाय होम जस्सी गिल और इसमें कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया का बड़ा भाई भाईजान इस फिल्म में है, क्योंकि एक प्रतिबंध जो है अविवाहित है जब तक कि वह खुद को पत्नी नहीं बना लेता। जब वह खुद अपनी पत्नी नहीं बना लेता तब तक जो है छोटी टिकड़ी जो है कपल होने का यानी कि सपना नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे मत पूछिए ये एक जो फरहाद सामजी की फिल्म है जहाँ पे तर्क की अपेक्षा करना काफी जो है मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के बजाय हमें पूजा हेगड़े भाग्य लक्ष्मी के रूप में मिलती है। इन्हें जो है भाईजान को नरम करने का काम सौंपा गया है। वह एक रूढ़िवादी यहाँ पे अच्छी तरह से अभिनय की है और उसका जो है असली नाम या फिर उसके बारे में कुछ भी जो है नहीं जानने के बावजूद भाईजान से वो प्यार करती है। दूसरी ओर वह यहाँ पे देखने को मिलता है कि वह संरक्षण रूढ़िवादी और यहाँ पे बहाली के बीच के अंतर को नहीं जानती है, इसीलिए शायद जो यहाँ पे अज्ञानता और वास्तव में आनंद है, जबकि जो है ये सब काफी शानदार है फिल्म में। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे किसी का भाई किसी की जान फिल्म को, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये मूवी साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्म में और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करते हैं और अपने महिला प्रेम के साथ जो है इस फिल्म में नासमझ और मनमोहक जो है मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण फिल्म में काफी शानदार तरीके से रखते हैं। इस बार दोस्तों भाईजान कुछ जो है इनके चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म की कुछ हंसी यानी कि मजाक के पल है और ये आपको बता दे स्टाइलिश एक्शन के साथ जो है AN1 के साथ आरासू धारा तैयार किया गया है जो इस फिल्म को एक हद तक जो है बदल सकता है जो पहले कभी ना देखे हो आप। इसके अलावा दोस्तों बता दें ये फिल्म एक स्टाइल वाले जो है स्टंट के साथ प्रत्येक यानी सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है मूवी को। दक्षिण के बारे में हम बात कर ले तो दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी जो है पड़ाव पर इस फिल्म में कामयाब होते हैं। वेंकटेश फिल्म में यहाँ पे गुडा मनेनी के रूप में काफी शानदार प्रदर्शन दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने जो है प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। पूजा हेगड़े के बारे में हम बात कर ले तो पूजा हेगड़े की एक भावपूर्ण भूमिका है, इसे उन्होंने इस फिल्म के अंदर आत्मविश्वास से निभाया है, लेकिन दोस्तों ओवर द टॉप फिल्मी के बारे में हम बात कर ले तो हरकतों को कम कर दिया गया, क्योंकि अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल जो यहाँ पे रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है, इसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम यानी कि गुंजाइश होती है। फिल्म में लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ
लिखे जाते हैं, जहां खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली फिल्म में छोड़े हैं। सलमान खान अभिनीत की गई ये फिल्म एक बार फिर जो है उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेला गया है, क्योंकि ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है फिल्म में लॉर्ड जॉर्डन के साथ इस फिल्म के अंदर लाइव एक्शन में काफी शानदार दिखते हैं। समस्या यह है फिल्म की कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है, क्योंकि बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी जो है साउंडर और सबसे कमजोर पटकथा को सलमान खान के स्टार पावर से मेल नहीं खाती, जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है। और यहाँ पे बता दे कुछ और भी चीज आपको देखने को मिलता है जो फिल्म में काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान की नवीनतम फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्म काफी शानदार कमाई करेगी। यहाँ पे सलमान खान की फिल्म में बता दे शादी न करने का फैसला है, क्योंकि वो अपने तीन भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों बता दे कहानी सलमान खान के इर्द गिर्द घूमता है। सलमान खान यहाँ पे एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं, और वह कुछ दृश्यों में अच्छे हैं, क्योंकि खासकर सेकेंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और इमोशनल दृश्यों में उनका अभिनय काफी अच्छा देखने को मिलता है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है फिल्म में। उनकी स्क्रीन उपस्थिति बहुत अच्छी है, और जैसे कि ऊपर कहा गया है कि सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देता है देखने के लिए। पूजा हेगड़े काफी खूबसूरत दिखती है और वह उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक ठाक है, लेकिन इमोशनल सीन्स ने काफी हद तक जो है काम किया है। मेट्रो की लड़ाई के बारे में हम बात कर ले तो वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी शानदार है इस फिल्म की। इसके साथ दोस्तों, एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो यहाँ पे केके बीकेके के साथ जो है औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि सलमान खान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रिमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई यानी कि सोचेगा कि ये सलमान खान की फिल्म है या फिर वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य है जो आपको ऐसा महसूस होता है फिल्म में। कहानी में नवीनता का अभाव यह है कि कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है कि एक प्रेम दृश्य को दो यानी कि चेतावनी दृश्यों के बीच में काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों, फिल्म में दिखाया गया है कि किसी बिंदु पर दर्शक कहेंगे कि क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों, बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलेन की याद दिलाता है। साथ ही साथ भूमिका चावला का अपनी इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे हैं, लेकिन गाने के कुछ स्थान जो है अनुपयुक्त है और वह कहानी के लिए यानी कि बधाव की तरह लगता है। चर्मोत्कर्ष का हिस्सा के बारे में हम बात कर ले तो चर्मोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि यहाँ पे निर्देशक इससे बेहतर ढंग से लिखे और निष्पादित करना चाहते थे फिल्म को। इसके बाद दोस्तों, कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं है, लेकिन इसके बजाय कुछ यानी कि चेहरे के अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फरहाद सामजी यहाँ पे स्पर्श खेत्रपाल और ताशा जो भंबारा ने पटकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक है। हालांकि उन्हें सलमान खान के किरदार का ज्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनसे कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फराज सामजी किसी का भाई किसी की जान को एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे, ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा गया है, जो KGF के साथ आपको बता दे प्रसिद्धि के रवि बसूर द्वारा इस स्कोर को यहाँ पे संभाला गया था। और बता दे मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, क्योंकि संपादन और बेहतर हो सकता था, क्योंकि इसमें और भी कुछ अच्छी तरह से काम किया जा सकता था। कुल मिलाकर दोस्तों, किसी का भाई किसी की जान बिरम की ईमानदारी रिमेक है, जो औसत दर्जे का प्लॉट है। दोस्तों इस फिल्म में पुराने दृश्य उबाऊ बना देता है, कुछ इमोशनल सीन आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। कुल मिला के दोस्तों, फिल्म देखने लायक है, एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। भले ही दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो लेखक विशेष प्रभाव फिल्म के साउंड और सिनेमा संबंधी जो ऐसे अन्य जो है गतिशील भागे होती है, लेकिन दोस्तों किसी की भाई किसी की जान के बारे में हम बात कर ले
तो फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म जो है वर्ष की सबसे अधिक कमाई करेगी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 181 करोड़ की ही कमाई किया है। ईद पर रिलीज होने के बाद इस मूवी ने इतनी कम कमाई किया है। दोस्तों फिल्म के बारे में लिखा गया कि ये एक मनोरंजन फिल्म है। एक आकांक्षी के बारे में लिखा गया कि यहाँ पे सांस्कृतिक जो है रिसेट है और खिड़की से बाहर तक जो है कि जैसे मामूली बुरानों को यहाँ पे चमकाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बतला दें यहाँ पे अनिवार्य के रूप में यहाँ पे ये समाप्त होता है कि 144 मिनट की लंबी स्क्रिप्ट है, क्योंकि पहली बार जब हम सलमान खान को देखते हैं तो वह लंबे बालों और चमड़े का एक हाव में नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पे यीशु के प्रतिरूपण की तरह दिखाया गया है जो एक बाइकर गिरोह का भी हिस्सा है। अगले में आपको बता दें तो 142 मिनट के दौरान हमें जो है एक व्यवस्थित किए गए और साथ ही साथ दोस्तों कष्टदायी रूप से धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों शेडिंग में हमें ये मिलता है कि सबसे पहले लंबे बाल उनके दिखाए गए हैं, फिर दाढ़ी वाला लुक दिखाया गया है और चरमोत्कर्ष में खान अपनी जो है शॉर्ट के साथ जो है धूल भरी धरती से उठते हैं और अंत में आपको बता दें एप्स का थोड़ा सा सेट प्रकट करने के लिए भी खड़े होते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि कोई भी ये सोचेगा कि भाई आपके रुपए के लिए क्या होगा। कथित तौर पर दोस्तों अजीत स्टारर विरम फिल्म 2014 की रिमेक है ये मूवी, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मोहब्बतें 2000 के लिए निर्देशित किए गए फरहाद सामजी के ओडी जैसा लगता है। इसके बाद दोस्तों इश्क मूवी, उसके बाद राघव, जुलाई होम, जस्सी गिल और इसमें कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया का बड़ा भाई भाईजान इस फिल्म में है, क्योंकि एक प्रतिबंध जो है अविवाहित है, जब तक कि वह खुद को पत्नी नहीं बना लेता, जब वह खुद अपनी पत्नी नहीं बना लेता तब तक जो है छोटी तिगड़ी जो है कपल होने का यानी कि सपना नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे मत पूछिए ये एक जो फरहाद सामजी की फिल्म है जहाँ पे तर्क की अपेक्षा करना काफ़ी जो है मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के बजाय हमें पूजा हेगड़े भाग्यलक्ष्मी के रूप में मिलती है। इन्हें जो है भाईजान को नरम करने का काम सौंपा गया है। वह एक रूढ़िवादी यहाँ पे अच्छी तरह से अभिनय की है और उसका जो है असली नाम या फिर उसके बारे में कुछ भी जो है नहीं जानने के बावजूद भाईजान से वो प्यार करती है। दूसरी ओर वह यहाँ पे देखने को मिलता है कि वह संरक्षण रूढ़िवादी और यहाँ पे बहाली के बीच के अंतर को नहीं जानती है, इसीलिए शायद जो यहाँ पे अज्ञानता और वास्तव में आनंद है, जबकि जो है ये सब काफ़ी शानदार है फिल्म में। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी का भाई किसी की जान फिल्म को, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये मूवी साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्म में और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करते हैं और अपने महिला प्रेम के साथ जो है इस फिल्म में नासमझ और मनमोहक जो है मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण फिल्म में काफी शानदार तरीके से रखते हैं। इस बार दोस्तों भाईजान कुछ जो है चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म की कुछ हंसी यानी कि मजाक के पल है और ये आपको बता दे स्टाइलिश एक्शन के साथ जो है AN1 के साथ आरासू धारा तैयार किया गया है जो इस फिल्म को एक हद तक जो है बदल सकता है जो पहले कभी ना देखे हो आप। इसके अलावा दोस्तों बता दें ये फिल्म एक स्टाइल वाले जो है स्टंट के साथ प्रत्येक यानी सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है मूवी को। दक्षिण के बारे में हम बात कर ले तो दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी जो है पड़ाव पर इस फिल्म में कामयाब होते हैं। वेंकटेश फिल्म में यहाँ पे गुडा मनेनी के रूप में काफी शानदार प्रदर्शन दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बतला दे एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने जो है प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। पूजा हेगड़े के बारे में हम बात कर ले तो पूजा हेगड़े की एक भावपूर्ण भूमिका है, इसे उन्होंने इस फिल्म के अंदर आत्मविश्वास से निभाया है, लेकिन दोस्तों ओवर द टॉप फिल्मी के बारे में हम बात कर ले तो हरकतों को कम कर दिया गया, क्योंकि अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल जो यहाँ पे रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है, इसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम यानी की गुंजाइश होती है। फिल्म में लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं, जहाँ खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली फिल्म में छोड़े हैं। सलमान खान अभिनीत की गई ये फिल्म एक बार फिर जो है उनके
कट्टर प्रशंसकों के लिए खेला गया है, क्योंकि ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है फिल्म में लॉर्ड जॉर्डन के साथ इस फिल्म के अंदर लाइव एक्शन में काफी शानदार दिखते हैं। समस्या यह है फिल्म की कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है, क्योंकि बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी जो है सम्राट और सबसे कमजोर पटकथा को सलमान खान के स्टार पावर से मेल नहीं खाती, जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है। और यहाँ पे बता दे कुछ और भी चीज आपको देखने को मिलता है जो फिल्म में काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड मेगास्टार सलमान खान की नवीनतम फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्म काफी शानदार कमाई करेगी। यहाँ पे सलमान खान की फिल्म में बता दे शादी न करने का फैसला है, क्योंकि वो अपने तीन भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों बता दे कहानी सलमान खान के इर्द गिर्द घूमता है। सलमान खान यहाँ पे एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं, और वह कुछ दृश्यों में अच्छे हैं, क्योंकि खासकर सेकेंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और इमोशनल दृश्यों में उनका अभिनय काफी अच्छा देखने को मिलता है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है फिल्म में। उनकी स्क्रीन उपस्थिति बहुत अच्छी है, और जैसा कि ऊपर कहा गया कि सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देता है देखने के लिए। पूजा हेगड़े काफी खूबसूरत दिखती है और वह उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक ठाक है, लेकिन इमोशनल सीन्स ने काफी हद तक जो है काम किया है। मेट्रो की लड़ाई के बारे में हम बात कर ले तो वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी शानदार है इस फिल्म की। इसके साथ दोस्तों, एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो यहाँ पे केके के साथ जो है औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि सलमान खान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रिमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई इनकी सोचेगा कि ये सलमान खान की फिल्म है या फिर वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य है जो आपको ऐसा महसूस होता है फिल्म में। कहानी में नवीनता का अभाव यह है कि कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है कि एक प्रेम दृश्य को दो यानी कि चेतावनी दृश्यों के बीच में काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों, फिल्म में दिखाया गया है कि किसी बिंदु पर दर्शक कहेंगे कि क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों, बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलेन की याद दिलाता है। साथ ही साथ भूमिका चावला का अपनी इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे हैं, लेकिन गाने के कुछ स्थान जो है अनुपयुक्त है और वह कहानी के लिए यानी कि बधाव की तरह लगता है। चर्मोत्कर्ष का हिस्सा के बारे में हम बात कर ले तो चर्मोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि यहाँ पे निर्देशक इससे बेहतर ढंग से लिखे और निष्पादित करना चाहते थे फिल्म को। इसके बाद दोस्तों, कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं है, लेकिन इसके बजाय कुछ यानी कि चेहरे के अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फरहाद सामजी यहाँ पे स्पर्श खेत्रपाल और ताशा जो भंबारा ने पटकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक है। हालांकि उन्हें सलमान खान के किरदार का ज्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनसे कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फराज सामजी किसी का भाई किसी की जान को एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे, ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा गया है, जो केजीएफ के साथ आपको बता दे प्रसिद्धि के रवि बसुरधारा स्कोर को यहां पे संभाला गया था। और बता दे मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, क्योंकि संपादन और बेहतर हो सकता था, क्योंकि इसमें और भी कुछ अच्छी तरह से काम किया जा सकता था। कुल मिलाकर दोस्तों, किसी का भाई किसी की जान बिरम की ईमानदारी रिमेक है, जो औसत दर्जे का प्लॉट है। दोस्तों इस फिल्म में पुराने दृश्य उबाऊ बना देता है, कुछ इमोशनल सीन आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, फिल्म देखने लायक है, एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। भले ही दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो लेखक विशेष प्रभाव फिल्म के साउंड और सिनेमा संबंधी जो ऐसे अन्य जो है गतिशील भागे होती है, लेकिन दोस्तों किसी की भाई किसी की जान के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म जो है वर्ष की सबसे अधिक कमाई करेगी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 181 करोड़ की ही कमाई किया है। ईद पर रिलीज होने के बाद इस मूवी ने इतनी कम कमाई किया है।
दोस्तों फिल्म के बारे में लिखा गया कि ये एक मनोरंजन फिल्म है। एक आकांक्षी के बारे में लिखा गया कि यहाँ पे सांस्कृतिक जो है रिसेट है और खिड़की से बाहर तक जो है कि जैसे मामूली विवरणों को यहाँ पे चमकाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे अनिवार्य रूप में यहाँ पे ये समाप्त होता है कि 144 मिनट की लंबी स्क्रिप्ट है, क्योंकि पहली बार जब हम सलमान खान को देखते हैं तो वह लंबे बालों और चमड़े का एक हाव में नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पे यीशु के प्रतिरूपण की तरह दिखाया गया है जो एक बाइकर गिरोह का भी हिस्सा है। अगले में आपको बता दें तो 142 मिनट के दौरान हमें जो है एक व्यवस्थित किए गए और साथ ही साथ दोस्तों कष्टदायी रूप से धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों शेडिंग में हमें ये मिलता है कि सबसे पहले लंबे बाल उनके दिखाए गए हैं, फिर दाढ़ी वाला लुक दिखाया गया है और चरमो तकर्ष में खान अपनी जो है शॉर्ट के साथ जो है धूल भरी धरती से उठते हैं और अंत में आपको बता दें एप्स का थोड़ा सा सेट प्रकट करने के लिए भी खड़े होते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि कोई भी ये सोचेगा कि भाई आपके रुपए के लिए क्या होगा। कथित तौर पर दोस्तों अजीत स्टारर विरम फिल्म 2014 की रिमेक है ये मूवी, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मोहब्बतें 2000 के लिए निर्देशक किए गए फरहाद सामजी के ओडी जैसा लगता है। इसके बाद दोस्तों इश्क मूवी, उसके बाद राघव, जुलाई होम, जस्सी गिल और इसमें कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया का बड़ा भाई भाईजान इस फिल्म में है, क्योंकि एक प्रतिबंध जो है अविवाहित है, जब तक कि वह खुद को पत्नी नहीं बना लेता, जब वह खुद अपनी पत्नी नहीं बना लेता तब तक जो है छोटे तिगड़ी जो है कपल होने का यानी कि सपना नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे मत पूछिए ये एक जो फरहाद सामजी की फिल्म है जहाँ पे तर्क की अपेक्षा करना काफी जो है मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के बजाय हमें पूजा हेगड़े भाग्यलक्ष्मी के रूप में मिलती है। इन्हें जो है भाईजान को नरम करने का काम सौंपा गया है। वह एक रूढ़िवादी यहाँ पे अच्छी तरह से अभिनय की है और उसका जो है असली नाम या फिर उसके बारे में कुछ भी जो है नहीं जानने के बावजूद भाईजान से वो प्यार करती है। दूसरी ओर वह यहाँ पे देखने को मिलता है कि वह संरक्षण रूढ़िवादी और यहाँ पे बहाली के बीच के अंतर को नहीं जानती है, इसीलिए शायद जो यहाँ पे अज्ञानता और वास्तव में आनंद है, जबकि जो है ये सब काफी शानदार है फिल्म में। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी का भाई किसी की जान फिल्म को, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये मूवी साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्म में और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करते हैं और अपने महिला प्रेम के साथ जो है इस फिल्म में नासमझ और मनमोहक जो है मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण फिल्म में काफी शानदार तरीके से रखते हैं। इस बार दोस्तों भाईजान कुछ जो है चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म की कुछ हंसी यानी कि मजाक के पल है और ये आपको बता दे स्टाइलिश एक्शन के साथ जो है ANA के साथ आरासू धारा तैयार किया गया है जो इस फिल्म को एक हद तक जो है बदल सकता है जो पहले कभी ना देखे हो आप। इसके अलावा दोस्तों बता दें ये फिल्म एक स्टाइल वाले जो है स्टंट के साथ प्रत्येक यानी सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है मूवी को। दक्षिण के बारे में हम बात कर ले तो दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी जो है पड़ाव पर इस फिल्म में कामयाब होते हैं। वेंकटेश फिल्म में यहाँ पे गुडा मनेनी के रूप में काफी शानदार प्रदर्शन दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने जो है प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। पूजा हेगड़े के बारे में हम बात कर ले तो पूजा हेगड़े की एक भावपूर्ण भूमिका है, इसे उन्होंने इस फिल्म के अंदर आत्मविश्वास से निभाया है, लेकिन दोस्तों ओवर द टॉप फिल्मी के बारे में हम बात कर ले तो हरकतों को कम कर दिया गया, क्योंकि अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल जो यहाँ पे रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है, इसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम यानी कि गुंजाइश होती है। फिल्म में लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं, जहां खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली फिल्म में छोड़े हैं। सलमान खान अभिनीत की गई ये फिल्म एक बार फिर जो है उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेला गया है, क्योंकि ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है फिल्म में लॉर्ड जॉर्ज डेन के साथ इस फिल्म के अंदर लाइव एक्शन में काफी शानदार दिखते हैं। समस्या यह है फिल्म की कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है, क्योंकि बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी जो है सम्राट और सबसे कमजोर पटकथा को सलमान खान के स्टार पावर से मेल नहीं खाती, जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है और यहाँ पे बता दे
कुछ और भी चीज आपको देखने को मिलता है जो फिल्म में काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान की नवीनतम फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्म काफी शानदार कमाई करेगी। यहाँ पे सलमान खान की फिल्म में बता दे शादी न करने का फैसला है क्योंकि वो अपने तीन भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों बता दे कहानी सलमान खान के इर्द गिर्द घूमता है। सलमान खान यहाँ पे एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं और वह कुछ दृश्यों में अच्छे हैं क्योंकि खासकर सेकेंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और इमोशनल दृश्यों में उनका अभिनय काफी अच्छा देखने को मिलता है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है। फिल्म में उनकी स्क्रीन उपस्थिति बहुत अच्छी है और जैसे कि ऊपर कहा गया कि सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देता है देखने के लिए। पूजा हेगड़े काफी खूबसूरत दिखती है और वह उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक ठाक है लेकिन इमोशनल सीन्स ने काफी हद तक जो है काम किया है। मेट्रो की लड़ाई के बारे में हम बात कर ले तो वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी शानदार है इस फिल्म की। इसके साथ दोस्तों एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो यहाँ पे केके बीकेके के साथ जो है औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि सलमान खान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रिमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई इनकी सोचेगा कि ये सलमान खान की फिल्म है या फिर वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य है जो आपको ऐसा महसूस होता है फिल्म में। कहानी में नवीनता का अभाव यह है कि कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है कि एक प्रेम दृश्य को दो यानी कि चेतावनी दृश्यों के बीच में काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि किसी बिंदु पर दर्शक कहेंगे कि क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया गया है फिल्म में लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलेन की याद दिलाता है। साथ ही साथ भूमिका चावला का अपनी इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे हैं लेकिन गाने के कुछ स्थान जो है अनुपयुक्त है और वह कहानी के लिए यानी कि बधाव की तरह लगता है। चरमोत्कर्ष का हिस्सा के बारे में हम बात कर ले तो चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि यहाँ पे निर्देशक इससे बेहतर ढंग से लिखे है और निष्पादित करना चाहते थे फिल्म को। इसके बाद दोस्तों कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य तो होंगे क्योंकि यहाँ पे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं है लेकिन इसके बजाय कुछ यानी कि चेहरे के अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फरहाद सामजी यहाँ पे स्पर्श खेत्रपाल और ताशा जो भंबारा ने पटकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक है। हालांकि उन्हें सलमान खान के किरदार का ज्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि उनके फैंस उनसे कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फराज सामजी किसी का भाई किसी की जान को एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा गया है जो KGF के साथ आपको बता दे प्रसिद्धि के रवि बसूर द्वारा इस स्कोर को यहाँ पे संभाला गया था। और बता दे मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है क्योंकि संपादन और बेहतर हो सकता था क्योंकि इसमें और भी कुछ अच्छी तरह से काम किया जा सकता था। कुल मिलाकर दोस्तों किसी का भाई किसी की जान बिरम की ईमानदारी रिमेक है जो औसत दर्जे का प्लॉट है। दोस्तों इस फिल्म में पुराने दृश्य उबाऊ बना देता है, कुछ इमोशनल सीन आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर दोस्तों फिल्म देखने लायक है, एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। भले ही दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो लेखक विशेष प्रभाव फिल्म के साउंड और सिनेमा संबंधी जो ऐसे अन्य जो है गतिशील भागे होती है लेकिन दोस्तों किसी की भाई किसी की जान के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म जो है वर्ष की सबसे अधिक कमाई करेगी लेकिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 181 करोड़ की ही कमाई किया है। ईद पर रिलीज होने के बाद इस मूवी ने इतनी कम कमाई किया है। दोस्तों फिल्म के बारे में लिखा गया कि ये एक मनोरंजन फिल्म है। एक आकांक्षी के बारे में लिखा गया कि यहाँ पे सांस्कृतिक जो है रिसेट है और खिड़की से बाहर तक जो है कि जैसे मामूली ब्यूरोनों को यहाँ पे चमकाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे अनिवार्य के रूप में यहाँ पे ये समाप्त होता है कि 144 मिनट की लंबी स्क्रिप्ट है क्योंकि पहली बार जब हम सलमान खान को देखते हैं तो वह लंबे बालों और चमड़े का एक हाव में नजर आते हैं लेकिन दोस्तों वहीं पे यीशु के प्रतिरूपण की तरह दिखाया गया है जो एक बाइकर गिरोह का भी हिस्सा है।
अगले में आपको बता दें तो 142 मिनट के दौरान हमें जो है एक व्यवस्थित किए गए और साथ ही साथ दोस्तों कष्टदायी रूप से धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों शेडिंग में हमें ये मिलता है कि सबसे पहले लंबे बाल उनके दिखाए गए हैं, फिर दाढ़ी वाला लुक दिखाया गया है और चरमों तकर्ष में खान अपने जो है शॉर्ट के साथ जो है धूल भरी धरती से उठते हैं और अंत में आपको बता दें एप्स का थोड़ा सा सेट प्रकट करने के लिए भी खड़े होते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि कोई भी ये सोचेगा कि भाई आपके रुपए के लिए क्या होगा। कथित तौर पर दोस्तों अजीत स्टारर विरम फिल्म 2014 की रिमेक है ये मूवी, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मोहब्बतें 2000 के लिए निर्देशित किए गए फरहाद सामजी के ओडी जैसा लगता है। इसके बाद दोस्तों इस मूवी उसके बाद राघव जुलाय होम जस्सी गिल और इसमें कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया का बड़ा भाई भाईजान इस फिल्म में है क्योंकि एक प्रतिबंध जो है अविवाहित है, जब तक कि वह खुद को पत्नी नहीं बना लेता, जब वह खुद अपनी पत्नी नहीं बना लेता तब तक जो है छोटे तिगड़ी जो है कपल होने का यानी कि सपना नहीं देख सकते। क्योंकि यहाँ पे मत पूछिए ये एक जो फरहाद सामजी की फिल्म है जहाँ पे तर्क की अपेक्षा करना काफी जो है मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के बजाय हमें पूजा हेगड़े भाग्यलक्ष्मी के रूप में मिलती है। इन्हें जो है भाईजान को नरम करने का काम सौंपा गया है। वह एक रूढ़िवादी यहाँ पे अच्छी तरह से अभिनय की है और उसका जो है असली नाम या फिर उसके बारे में कुछ भी जो है नहीं जानने के बावजूद भाईजान से वो प्यार करती है। दूसरी ओर वह यहाँ पे देखने को मिलता है कि वह संरक्षण रूढ़िवादी और यहाँ पे बहाली के बीच के अंतर को नहीं जानती है, इसीलिए शायद जो यहाँ पे अज्ञानता और वास्तव में आनंद है, जबकि जो है ये सब काफी शानदार है फिल्म में। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी का भाई किसी की जान फिल्म को, तो फैंस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये मूवी साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्म में और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करते हैं और अपने महिला प्रेम के साथ जो है इस फिल्म में नासमझ और मनमोहक जो है मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण फिल्म में काफी शानदार तरीके से रखते हैं। इस बार दोस्तों भाईजान कुछ जो है चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म की कुछ हंसी यानी कि मजाक के पल है और ये आपको बता दे स्टाइलिश एक्शन के साथ जो है ANA के साथ अरासू धारा तैयार किया गया है जो इस फिल्म को एक हद तक जो है बदल सकता है जो पहले कभी ना देखे हो आप। इसके अलावा दोस्तों बता दें ये फिल्म एक स्टाइल वाले जो है स्टंट के साथ प्रत्येक यानी सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है मूवी को। दक्षिण के बारे में हम बात कर ले तो दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी जो है पड़ाव पर इस फिल्म में कामयाब होते हैं। वेंकटेश फिल्म में यहाँ पे गुडा मनेनी के रूप में काफी शानदार प्रदर्शन दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने जो है प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। पूजा हेगड़े के बारे में हम बात कर ले तो पूजा हेगड़े की एक भावपूर्ण भूमिका है, इसे उन्होंने इस फिल्म के अंदर आत्मविश्वास से निभाया है। लेकिन दोस्तों ओवर द टॉप फिल्मी के बारे में हम बात कर ले तो हरकतों को कम कर दिया गया क्योंकि अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल जो यहाँ पे रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है, इसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम यानी कि गुंजाइश होती है। फिल्म में लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं, जहाँ खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली फिल्म में छोड़े हैं। सलमान खान अभिनीत की गई ये फिल्म एक बार फिर जो है उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेला गया है क्योंकि ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है फिल्म में लॉर्ड जॉर्डन के साथ इस फिल्म के अंदर लाइव एक्शन में काफी शानदार दिखते हैं। समस्या यह है फिल्म की कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है क्योंकि बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी जो है सौंदर्य और सबसे कमजोर पटकथा को सलमान खान के स्टार पावर से मेल नहीं खाती जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है और यहाँ पे बता दे कुछ और भी चीज आपको देखने को मिलता है जो फिल्म में काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान की नवीनतम फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्म काफी शानदार कमाई करेगी। यहाँ पे सलमान खान की फिल्म में बता दे शादी न करने का फैसला है क्योंकि वो अपने तीन भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों बता दे कहानी सलमान खान के
इर्द गिर्द घूमता है। सलमान खान यहाँ पे एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं और वह कुछ दृश्यों में अच्छे हैं क्योंकि खासकर सेकेंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और इमोशनल दृश्यों में उनका अभिनय काफी अच्छा देखने को मिलता है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है। फिल्म में उनकी स्क्रीन उपस्थिति बहुत अच्छी है और जैसे कि ऊपर कहा गया कि सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देता है देखने के लिए। पूजा हेगड़े काफी खूबसूरत दिखती है और वह उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक ठाक है लेकिन इमोशनल सीन्स ने काफी हद तक जो है काम किया है। मेट्रो की लड़ाई के बारे में हम बात कर ले तो वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी शानदार है इस फिल्म की। इसके साथ दोस्तों एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो यहाँ पे केके बीकेके के साथ जो है औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि सलमान खान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रिमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई इनकी सोचेगा कि ये सलमान खान की फिल्म है या फिर वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य है जो आपको ऐसा महसूस होता है फिल्म में। कहानी में नवीनता का अभाव यह है कि कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है कि एक प्रेम दृश्य को दो यानी कि चेतावनी दृश्यों के बीच में काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि किसी बिंदु पर दर्शक कहेंगे कि क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया गया है फिल्म में लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलेन की याद दिलाता है। साथ ही साथ भूमिका चावला का अपनी इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे हैं लेकिन गाने के कुछ स्थान जो है अनुपयुक्त है और वह कहानी के लिए यानी कि बधाव की तरह लगता है। चरमोत्कर्ष का हिस्सा के बारे में हम बात कर ले तो चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि यहाँ पे निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिखे है और निष्पादित करना चाहते थे फिल्म को। इसके बाद दोस्तों कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य तो होंगे क्योंकि यहाँ पे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं है लेकिन इसके बजाय कुछ यानी कि चेहरे के अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फरहाद सामजी यहाँ पे स्पर्श खेत्रपाल और ताशा जो भंबारा ने पटकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक है। हालांकि उन्हें सलमान खान के किरदार का ज्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि उनके फैंस उनसे कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फराज सामजी किसी का भाई किसी की जान को एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा गया है जो KGF के साथ आपको बता दें प्रसिद्धि के रवि बसूर द्वारा इस स्कोर को यहां पे संभाला गया था। और बता दें मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है क्योंकि संपादन और बेहतर हो सकता था क्योंकि इसमें और भी कुछ अच्छी तरह से काम किया जा सकता था। कुल मिलाकर दोस्तों किसी का भाई किसी की जान बीरम की ईमानदारी रिमेक है जो अवसर दर्जे का प्लॉट है। दोस्तों इस फिल्म में पुराने दृश्य उबाऊ बना देता है, कुछ इमोशनल सीन आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर दोस्तों फिल्म देखने लायक है, एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। भले ही दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो लेखक विशेष प्रभाव फिल्म के साउंड और सिनेमा संबंधी जो ऐसे अन्य जो है गतिशील भागे होती है लेकिन दोस्तों किसी की भाई किसी की जान के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म जो है वर्ष की सबसे अधिक कमाई करेगी लेकिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 181 करोड़ की कमाई किया है। ईद पर रिलीज होने के बाद इस मूवी ने इतनी कम कमाई किया है। दोस्तों फिल्म के बारे में लिखा गया कि ये एक मनोरंजन फिल्म है। एक आकांक्षी के बारे में लिखा गया कि यहाँ पे सांस्कृतिक जो है रिसेट है और खिड़की से बाहर तक जो है कि जैसे मामूली बुरानों को यहाँ पे चमकाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बतला दें यहाँ पे अनिवार्य के रूप में यहाँ पे ये समाप्त होता है कि 144 मिनट की लंबी स्क्रिप्ट है क्योंकि पहली बार जब हम सलमान खान को देखते हैं तो वह लंबे बालों और चमड़े का एक हाव में नजर आते हैं लेकिन दोस्तों वहीं पे यीशु के प्रतिरूपण की तरह दिखाया गया है जो एक बाइकर गिरोह का भी हिस्सा है। अगले में आपको बता दें तो 142 मिनट के दौरान हमें जो है एक व्यवस्थित किए गए और साथ ही साथ दोस्तों कष्टदायी रूप से धीमी गति से आगे बढ़ते हैं लेकिन दोस्तों शेडिंग में हमें ये मिलता है कि सबसे पहले लंबे बाल उनके दिखाए गए हैं, फिर दाढ़ी वाला लुक दिखाया गया है और चरमोत्कर्ष में खान अपनी जो है शॉर्ट के साथ जो है धूल भरी धरती से उठते हैं और अंत में आपको बता दें एप्स का थोड़ा सा सेट प्रकट करने के लिए भी खड़े होते हैं।
ये कल्पना करना कठिन है कि कोई भी ये सोचेगा कि भाई आपके रुपए के लिए क्या होगा। कथित तौर पर दोस्तों अजीत स्टारर विरम फिल्म 2014 की रिमेक है ये मूवी, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मोहब्बतें 2000 के लिए निर्देशित किए गए फरहाद सामजी के ओडी जैसा लगता है। इसके बाद दोस्तों इस मूवी उसके बाद राघव, जुलाई होम, जस्सी गिल और इसमें कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया का बड़ा भाई भाईजान इस फिल्म में है, क्योंकि एक प्रतिबंध जो है अविवाहित है, जब तक कि वह खुद को पत्नी नहीं बना लेता, जब वह खुद अपनी पत्नी नहीं बना लेता तब तक जो है छोटी तिगड़ी जो है कपल होने का यानी कि सपना नहीं देख सकते। क्योंकि यहाँ पे मत पूछिए, ये एक जो फरहाद सामजी की फिल्म है जहाँ पे तर्क की अपेक्षा करना काफी जो है मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के बजाय हमें पूजा हेगड़े भाग्य लक्ष्मी के रूप में मिलती है। इन्हें जो है भाईजान को नरम करने का काम सौंपा गया है। वह एक रूढ़िवादी यहाँ पे अच्छी तरह से अभिनय की है और उसका जो है असली नाम या फिर उसके बारे में कुछ भी जो है नहीं जानने के बावजूद भाईजान से वो प्यार करती है। दूसरी ओर वह यहाँ पे देखने को मिलता है कि वह संरक्षण रूढ़िवादी और यहाँ पे बहाली के बीच के अंतर को नहीं जानती है, इसीलिए शायद जो यहाँ पे अज्ञानता और वास्तव में आनंद है, जबकि जो है ये सब काफी शानदार है फिल्म में। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी का भाई किसी की जान फिल्म को, तो फैंस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये मूवी साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्म में और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करते हैं और अपने महिला प्रेम के साथ जो है इस फिल्म में नासमझ और मनमोहक जो है मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण फिल्म में काफी शानदार तरीके से रखते हैं। इस बार दोस्तों भाईजान कुछ जो है इनके चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म की कुछ हंसी यानी कि मजाक के पल है। और ये आपको बता दे स्टाइलिश एक्शन के साथ जो है AN1 के साथ अरासू धारा तैयार किया गया है जो इस फिल्म को एक हद तक जो है बदल सकता है जो पहले कभी ना देखे हो आप। इसके अलावा दोस्तों बता दें ये फिल्म एक स्टाइल वाले जो है स्टंट के साथ प्रत्येक यानी सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है मूवी को। दक्षिण के बारे में हम बात कर ले तो दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी जो है पड़ाव पर इस फिल्म में कामयाब होते हैं। वेंकटेश फिल्म में यहाँ पे गुडा मनेनी के रूप में काफी शानदार प्रदर्शन दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने जो है प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। पूजा हेगड़े के बारे में हम बात कर ले तो पूजा हेगड़े की एक भावपूर्ण भूमिका है, इसे उन्होंने इस फिल्म के अंदर आत्मविश्वास से निभाया है। लेकिन दोस्तों ओवर द टॉप फिल्मी के बारे में हम बात कर ले तो हरकतों को कम कर दिया गया, क्योंकि अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल जो यहाँ पे रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है, इसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम यानी कि गुंजाइश होती है। फिल्म में लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं, जहां खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली फिल्म में छोड़े हैं। सलमान खान अभिनीत की गई ये फिल्म एक बार फिर जो है उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेला गया है, क्योंकि ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है फिल्म में लॉर्ड जॉर्डन के साथ इस फिल्म के अंदर लाइव एक्शन में काफी शानदार दिखते हैं। समस्या यह है फिल्म की कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है, क्योंकि बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी जो है सम्राट और सबसे कमजोर पटकथा को सलमान खान के स्टार पावर से मेल नहीं खाती, जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है। और यहाँ पे बता दे कुछ और भी चीज आपको देखने को मिलता है जो फिल्म में काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान की नवीनतम फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्म काफी शानदार कमाई करेगी। यहाँ पे सलमान खान की फिल्म में बता दे शादी न करने का फैसला है, क्योंकि वो अपने तीन भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों बता दे कहानी सलमान खान के इर्द गिर्द घूमता है। सलमान खान यहाँ पे एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं और वह कुछ दृश्यों में अच्छे हैं, क्योंकि खासकर सेकेंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और इमोशनल दृश्यों में उनका अभिनय काफी अच्छा देखने को मिलता है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है फिल्म में, उनकी स्क्रीन उपस्थिति बहुत अच्छी है और जैसे कि ऊपर कहा गया कि सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देता है देखने के लिए।
पूजा हेगड़े काफी खूबसूरत दिखती है और वह उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक ठाक है, लेकिन इमोशनल सीन्स ने काफी हद तक जो है काम किया है। मेट्रो की लड़ाई के बारे में हम बात कर लेते हैं। वेंकी के घर के दिवसों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी शानदार है इस फिल्म की। इसके साथ दोस्तों एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो यहाँ पे केके बीकेके के साथ जो है औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि सलमान खान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रिमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई इनकी सोचेगा कि ये सलमान खान की फिल्म है या फिर वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य है जो आपको ऐसा महसूस होता है फिल्म में। कहानी में नवीनता का अभाव यह है कि कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है कि एक प्रेम दृश्य को दो यानी कि चेतावनी दृश्यों के बीच में काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि किसी बिंदु पर दर्शक कहेंगे कि क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलेन की याद दिलाता है। साथ ही साथ भूमिका चावला का अपनी इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे हैं, लेकिन गाने के कुछ स्थान जो है अनुपयुक्त है और वह कहानी के लिए यानी कि बधाव की तरह लगता है। चर्मोत्कर्ष का हिस्सा के बारे में हम बात कर ले तो चर्मोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि यहाँ पे निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिखे और निष्पादित करना चाहते थे फिल्म को। इसके बाद दोस्तों कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं है, लेकिन इसके बजाय कुछ यानी कि चेहरे के अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फरहाद सामजी यहाँ पे स्पर्श खेत्रपाल और ताशा जो है भंबारा ने पटकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक है। हालांकि उन्हें सलमान खान के किरदार का ज्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनसे कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फरहाद सामजी किसी का भाई किसी की जान को एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे, ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा गया है, जो KGF के साथ आपको बता दे प्रसिद्धि के रवि बसूर धारा स्कोर को यहाँ पे संभाला गया था। और बता दे मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, क्योंकि संपादन और बेहतर हो सकता था, क्योंकि इसमें और भी कुछ अच्छी तरह से काम किया जा सकता था। कुल मिलाकर दोस्तों किसी का भाई किसी की जान बिरम की ईमानदारी रिमेक है जो अवसर दर्जे का प्लॉट है। दोस्तों इस फिल्म में पुराने दृश्य उबाऊ बना देता है, कुछ इमोशनल सीन आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर दोस्तों फिल्म देखने लायक है, एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। भले ही दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो लेखक विशेष प्रभाव फिल्म के साउंड और सिनेमा संबंधी जो ऐसे अन्य जो है गतिशील भागे होती है, लेकिन दोस्तों किसी की भाई किसी की जान के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म जो है वर्ष की सबसे अधिक कमाई करेगी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 181 करोड़ की ही कमाई किया है। ईद पर रिलीज होने के बाद इस मूवी ने इतनी कम कमाई किया है। दोस्तों फिल्म के बारे में लिखा गया कि ये एक मनोरंजन फिल्म है। एक आकांक्षी के बारे में लिखा गया कि यहाँ पे सांस्कृतिक जो है रिसेट है और खिड़की से बाहर तक जो है कि जैसे मामूली विवरणों को यहाँ पे चमकाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बतला दें यहाँ पे अनिवार्य के रूप में यहाँ पे ये समाप्त होता है कि 144 मिनट की लंबी स्क्रिप्ट है, क्योंकि पहली बार जब हम सलमान खान को देखते हैं तो वह लंबे बालों और चमड़े का एक हाव में नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पे यीशु के प्रतिरूपण की तरह दिखाया गया है जो एक बाइकर गिरोह का भी हिस्सा है। अगले में आपको बता दें तो 142 मिनट के दौरान हमें जो है एक व्यवस्थित किए गए और साथ ही साथ दोस्तों कष्टदायी रूप से धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों शेडिंग में हमें ये मिलता है कि सबसे पहले लंबे बाल उनके दिखाए गए हैं, फिर दाढ़ी वाला लुक दिखाया गया है और चर्मोत्कर्ष में खान अपनी जो है शॉर्ट के साथ जो है धूल भरी धरती से उठते हैं और अंत में आपको बता दें एप्स का थोड़ा सा सेट प्रकट करने के लिए भी खड़े होते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि कोई भी ये सोचेगा कि भाई आपके रुपए के लिए क्या होगा। कथित तौर पर दोस्तों अजीत स्टारर बिरम फिल्म 2014 की रिमेक है ये मूवी, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मोहब्बतें 2000 के लिए निर्देशक किए गए फरहाद सामजी के ओडी जैसा लगता है। इसके बाद दोस्तों इश्क मूवी, उसके बाद राघव, जुलाई होम, जस्सी गिल और इसमें कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया का बड़ा भाई भाईजान इस फिल्म में है, क्योंकि एक प्रतिबंध जो है अविवाहित है जब तक कि वह खुद को पत्नी नहीं बना लेता। जब वह खुद अपनी पत्नी नहीं बना लेता तब तक जो है छोटे तिगड़ी जो है कपल होने का
यानी कि सपना नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे मत पूछिए, ये एक जो फराज सामजी की फिल्म है जहाँ पे तर्क की अपेक्षा करना काफी जो है मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के बजाय हमें पूजा हेगड़े भाग्यलक्ष्मी के रूप में मिलती है। इन्हें जो है भाईजान को नरम करने का काम सौंपा गया है। वह एक रूढ़िवादी यहाँ पे अच्छी तरह से अभिनय की है और उसका जो है असली नाम या फिर उसके बारे में कुछ भी जो है नहीं जानने के बावजूद भाईजान से वो प्यार करती है। दूसरी ओर वह यहाँ पे देखने को मिलता है कि वह संरक्षण रूढ़िवादी और यहाँ पे बहाली के बीच के अंतर को नहीं जानती है, इसीलिए शायद जो यहाँ पे अज्ञानता और वास्तव में आनंद है, जबकि जो है ये सब काफी शानदार है फिल्म में। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी का भाई किसी की जान फिल्म को, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये मूवी साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्म में और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करते हैं और अपने महिला प्रेम के साथ जो है इस फिल्म में नासमझ और मनमोहक जो है मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण फिल्म में काफी शानदार तरीके से रखते हैं। इस बार दोस्तों भाईजान कुछ जो है कि चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म की कुछ हंसी यानी कि मजाक के पल है। और ये आपको बता दे स्टाइलिश एक्शन के साथ जो है ANA के साथ अरासू धारा तैयार किया गया है जो इस फिल्म को एक हद तक जो है बदल सकता है जो पहले कभी ना देखे हो आप। इसके अलावा दोस्तों बता दें ये फिल्म एक स्टाइल वाले जो है स्टंट के साथ प्रत्येक यानी सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है मूवी को। दक्षिण के बारे में हम बात कर ले तो दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी जो है पड़ाव पर इस फिल्म में कामयाब होते हैं। वेंकटेश फिल्म में यहाँ पे गुडा मनेनी के रूप में काफी शानदार प्रदर्शन दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बतला दे एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने जो है प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। पूजा हेगड़े के बारे में हम बात कर ले तो पूजा हेगड़े की एक भावपूर्ण भूमिका है, इसे उन्होंने इस फिल्म के अंदर आत्मविश्वास से निभाया है। लेकिन दोस्तों ओवर द टॉप फिल्मी के बारे में बात कर ले तो हरकतों को कम कर दिया गया क्योंकि अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल जो यहाँ पे रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है, इसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम यानी की गुंजाइश होती है। फिल्म में लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं, जहाँ खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली फिल्म में छोड़े हैं। सलमान खान अभिनीत की गई ये फिल्म एक बार फिर जो है उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेला गया है क्योंकि ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है फिल्म में लॉर्ड जॉर्ज डेन के साथ इस फिल्म के अंदर लाइव एक्शन में काफी शानदार दिखते हैं। समस्या यह है फिल्म की कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है क्योंकि बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी जो है सम्राट और सबसे कमजोर पटकथा को सलमान खान के स्टार पावर से मेल नहीं खाती जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है और यहां पे बता दे कुछ और भी चीज आपको देखने को मिलता है जो फिल्म में काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान की नवीनतम फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्म काफी शानदार कमाई करेगी। यहाँ पे सलमान खान की फिल्म में बता दे शादी न करने का फैसला है क्योंकि वो अपने तीन भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों बता दे कहानी सलमान खान के इर्द गिर्द घूमता है। सलमान खान यहाँ पे एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं और वह कुछ दृश्यों में अच्छे हैं क्योंकि खासकर सेकेंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और इमोशनल दृश्यों में उनका अभिनय काफी अच्छा देखने को मिलता है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है फिल्म में। उनकी स्क्रीन उपस्थिति बहुत अच्छी है और जैसा कि ऊपर कहा गया कि सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देता है देखने के लिए। पूजा हेगड़े काफी खूबसूरत दिखती है और वह उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक ठाक है लेकिन इमोशनल सीन्स ने काफी हद तक जो है काम किया है। मेट्रो की लड़ाई के बारे में हम बात कर ले तो वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी शानदार है इस फिल्म की। इसके साथ दोस्तों एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं।
लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो यहाँ पे केके बीकेके के साथ जो है औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि सलमान खान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रिमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई इनकी सोचेगा कि ये सलमान खान की फिल्म है या फिर वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य है जो आपको ऐसा महसूस होता है फिल्म में। कहानी में नवीनता का अभाव यह है कि कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है कि एक प्रेम दृश्य को दो यानी कि चेतावनी दृश्यों के बीच में काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि किसी बिंदु पर दर्शक कहेंगे कि क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलेन की याद दिलाता है। साथ ही साथ भूमिका चावला का अपनी इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे हैं, लेकिन गाने के कुछ स्थान जो है अनुपयुक्त है और वह कहानी के लिए यानी कि बधाव की तरह लगता है। चरमोत्कर्ष का हिस्सा के बारे में हम बात कर ले तो चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि यहाँ पे निर्देशक इससे बेहतर ढंग से लिखे और निष्पादित करना चाहते थे फिल्म को। इसके बाद दोस्तों कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं है, लेकिन इसके बजाय कुछ यानी कि चेहरे के अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फरहाद सामजी यहाँ पे स्पर्श से खेत्रपाल और ताशा जो भंबारा ने पटकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक है। हालांकि उन्हें सलमान खान के किरदार का ज्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनसे कुछ खास उम्मीद करते हैं। निर्देशक फराज सामजी किसी का भाई किसी की जान को एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे, ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा गया है जो KGF के साथ आपको बता दे प्रसिद्धि के रवि बसूर द्वारा इस स्कोर को यहाँ पे संभाला गया था। और बता दें मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, क्योंकि संपादन और बेहतर हो सकता था, क्योंकि इसमें और भी कुछ अच्छी तरह से काम किया जा सकता था। कुल मिलाकर दोस्तों किसी का भाई किसी की जान बिरम की ईमानदारी रिमेक है जो अवसर दर्जे का प्लॉट है। दोस्तों इस फिल्म में पुराने दृश्य उबाऊ बना देता है, कुछ इमोशनल सीन आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर दोस्तों फिल्म देखने लायक है, एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। भले ही दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो लेखक विशेष प्रभाव फिल्म के साउंड और सिनेमा संबंधी जो ऐसे अन्य जो है गतिशील भागे होती है, लेकिन दोस्तों किसी की भाई किसी की जान के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म जो है वर्ष की सबसे अधिक कमाई करेगी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 181 करोड़ की ही कमाई किया है। ईद पर रिलीज होने के बाद इस मूवी ने इतनी कम कमाई किया है। दोस्तों फिल्म के बारे में लिखा गया कि ये एक मनोरंजन फिल्म है। एक आकांक्षी के बारे में लिखा गया कि यहाँ पे सांस्कृतिक जो है रिसेट है और खिड़की से बाहर तक यानी कि जैसे मामूली दुल्हनों को यहाँ पे चमकाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बतला दें यहाँ पे अनिवार्य के रूप में यहाँ पे ये समाप्त होता है कि 144 मिनट की लंबी स्क्रिप्ट है, क्योंकि पहली बार जब हम सलमान खान को देखते हैं तो वह लंबे बालों और चमड़े का एक हाव में नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पे यीशु के प्रतिरूपण की तरह दिखाया गया है जो एक बाइकर गिरोह का भी हिस्सा है। अगले में आपको बता दें तो 142 मिनट के दौरान हमें जो है एक व्यवस्थित किए गए और साथ ही साथ दोस्तों कष्टदायी रूप से धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों शेडिंग में हमें ये मिलता है कि सबसे पहले लंबे बाल उनके दिखाए गए हैं, फिर दाढ़ी वाला लुक दिखाया गया है और चरमोत्कर्ष में खान अपनी जो है शॉर्ट के साथ जो है धूल भरी धरती से उठते हैं और अंत में आपको बता दें एप्स का थोड़ा सा सेट प्रकट करने के लिए भी खड़े होते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि कोई भी ये सोचेगा कि भाई आपके रुपए के लिए क्या होगा। कथित तौर पर दोस्तों अजीत स्टारर बिरम फिल्म 2014 की रिमेक है ये मूवी, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मोहब्बतें 2000 के लिए निर्देशक किए गए फरहाद सामजी के ओडी जैसा लगता है। इसके बाद दोस्तों इस मूवी उसके बाद राघव जुलायो होम जस्सी गिल और इसमें कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया का बड़ा भाई भाईजान इस फिल्म में है, क्योंकि एक प्रतिबंध जो है अविवाहित है, जब तक कि वह खुद को पत्नी नहीं बना लेता, जब वह खुद अपनी पत्नी नहीं बना लेता तब तक जो है छोटी टिकड़ी जो है कपल होने का यानी कि सपना नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे मत पूछिए ये एक जो फरहाद सामजी की फिल्म है जहाँ पे तर्क की अपेक्षा करना काफी जो है मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के बजाय हमें पूजा हेगड़े
भाग्यलक्ष्मी के रूप में मिलती है। इन्हें जो है भाईजान को नरम करने का काम सौंपा गया है। वह एक रूढ़िवादी यहाँ पे अचिता से अभिनय की है और उसका जो है असली नाम या फिर उसके बारे में कुछ भी जो है नहीं जानने के बावजूद भाईजान से वो प्यार करती है। दूसरी ओर वह यहाँ पे देखने को मिलता है कि वह संरक्षण रूढ़िवादी और यहाँ पे बहाली के बीच के अंतर को नहीं जानती है, इसीलिए शायद जो है पे अज्ञानता और वास्तव में आनंद है, जबकि जो है ये सब काफी शानदार है फिल्म में। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी का भाई किसी की जान फिल्म को, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये मूवी साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्म में और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करते हैं और अपने महिला प्रेम के साथ जो है इस फिल्म में नासमझ और मनमोहक जो है मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण फिल्म में काफी शानदार तरीके से रखते हैं। इस बार दोस्तों भाईजान कुछ जो है इनके चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म की कुछ हंसी यानी कि मजाक के पल है। और ये आपको बता दे स्टाइलिश एक्शन के साथ जो है AN1 के साथ अरासू धारा तैयार किया गया है जो इस फिल्म को एक हद तक जो है बदल सकता है जो पहले कभी ना देखे हो आप। इसके अलावा दोस्तों बता दें ये फिल्म एक स्टाइल वाले जो है स्टंट के साथ प्रत्येक यानी सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है मूवी को। दक्षिण के बारे में हम बात कर ले तो दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी जो है पड़ाव पर इस फिल्म में कामयाब होते हैं। वेंकटेश फिल्म में यहाँ पे गुडा मनेनी के रूप में काफी शानदार प्रदर्शन दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बतला दे एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने जो है प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। पूजा हेगड़े के बारे में हम बात कर ले तो पूजा हेगड़े की एक भावपूर्ण भूमिका है, इसे उन्होंने इस फिल्म के अंदर आत्मविश्वास से निभाया है। लेकिन दोस्तों ओवर द टॉप फिल्मी के बारे में बात कर ले तो हरकतों को कम कर दिया गया क्योंकि अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल जो यहाँ पे रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है, इसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम यानी कि गुंजाइश होती है। फिल्म में लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं, जहाँ खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली फिल्म में छोड़े हैं। सलमान खान अभिनीत की गई ये फिल्म एक बार फिर जो है उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेला गया है क्योंकि ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है फिल्म में लॉर्ड जॉर्डन के साथ इस फिल्म के अंदर लाइव एक्शन में काफी शानदार दिखते हैं। समस्या यह है फिल्म की कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है क्योंकि बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी जो है सम्राट और सबसे कमजोर पटकथा को सलमान खान के स्टार पावर से मेल नहीं खाती जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है। और यहाँ पे बता दे कुछ और भी चीज आपको देखने को मिलता है जो फिल्म में काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान की नवीनतम फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्म काफी शानदार कमाई करेगी। यहाँ पे सलमान खान की फिल्म में बता दे शादी न करने का फैसला है क्योंकि वो अपने तीन भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों बता दे कहानी सलमान खान के इर्द गिर्द घूमता है। सलमान खान यहाँ पे एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं और वह कुछ दृश्यों में अच्छे हैं क्योंकि खासकर सेकेंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और इमोशनल दृश्यों में उनका अभिनय काफी अच्छा देखने को मिलता है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है फिल्म में, उनकी स्क्रीन उपस्थिति बहुत अच्छी है और जैसे कि ऊपर कहा गया कि सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देता है देखने के लिए। पूजा हेगड़े काफी खूबसूरत दिखती है और वह उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक ठाक है लेकिन इमोशनल सीन्स ने काफी हद तक जो है काम किया है। मेट्रो की लड़ाई के बारे में हम बात कर ले तो वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी शानदार है इस फिल्म की। इसके साथ दोस्तों एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो यहाँ पे KK BKK के साथ जो है औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि सलमान खान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रिमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई यानी कि सोचेगा कि ये सलमान खान की फिल्म है या फिर वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य है जो आपको ऐसा महसूस होता है फिल्म में। कहानी में नवीनता का अभाव यह है कि
कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है कि एक प्रेम दृश्य को दो यानी कि चेतावनी दृश्यों के बीच में काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि किसी बिंदु पर दर्शक कहेंगे कि क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलेन की याद दिलाता है। साथ ही साथ भूमिका चावला का अपनी इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे हैं, लेकिन गाने के कुछ स्थान जो है अनुपयुक्त है और वह कहानी के लिए यानी कि बधाव की तरह लगता है। चरमोत्कर्ष का हिस्सा के बारे में हम बात कर ले तो चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि यहाँ पे निर्देशक इससे बेहतर ढंग से लिखे और निष्पादित करना चाहते थे फिल्म को। इसके बाद दोस्तों कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं है, लेकिन इसके बजाय कुछ यानी कि चेहरे के अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फरहाद सामजी यहाँ पे स्पर्श खेत्रपाल और ताशा जो भंबारा ने पटकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक है। हालांकि उन्हें सलमान खान के किरदार का ज्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनसे कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फराज सामजी किसी का भाई किसी की जान को एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे, ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा गया है जो KGF के साथ आपको बता दे प्रसिद्धि के रवि बसूर द्वारा इस स्कोर को यहाँ पे संभाला गया था। और बता दे मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, क्योंकि संपादन और बेहतर हो सकता था, क्योंकि इसमें और भी कुछ अच्छी तरह से काम किया जा सकता था। कुल मिलाकर दोस्तों किसी का भाई किसी की जान बिरम की ईमानदारी रिमेक है जो अवसर दर्जे का प्लॉट है। दोस्तों इस फिल्म में पुराने दृश्य उबाऊ बना देता है, कुछ इमोशनल सीन आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। कुल मिला के दोस्तों फिल्म देखने लायक है, एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। भले ही दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो लेखक विशेष प्रभाव फिल्म के साउंड और सिनेमा संबंधी जो ऐसे अन्य जो है गतिशील भागे होती है, लेकिन दोस्तों किसी की भाई किसी की जान के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म जो है वर्ष की सबसे अधिक कमाई करेगी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 181 करोड़ की ही कमाई किया है। ईद पर रिलीज होने के बाद इस मूवी ने इतनी कम कमाई किया है। दोस्तों फिल्म के बारे में लिखा गया कि ये एक मनोरंजन फिल्म है। एक आकांक्षी के बारे में लिखा गया कि यहाँ पे सांस्कृतिक जो है रिसेट है और खिड़की से बाहर तक जो है जैसे मामूली ब्यूरोनों को यहाँ पे चमकाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बतला दें यहाँ पे अनिवार्य के रूप में यहाँ पे ये समाप्त होता है कि 144 मिनट की लंबी स्क्रिप्ट है, क्योंकि पहली बार जब हम सलमान खान को देखते हैं तो वह लंबे बालों और चमड़े का एक हाव में नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पे यीशु के प्रतिरूपण की तरह दिखाया गया है जो एक बाइकर गिरोह का भी हिस्सा है। अगले में आपको बता दें तो 142 मिनट के दौरान हमें जो है एक व्यवस्थित किए गए और साथ ही साथ दोस्तों कष्टदायी रूप से धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों शेडिंग में हमें ये मिलता है कि सबसे पहले लंबे बाल उनके दिखाए गए हैं, फिर दाढ़ी वाला लुक दिखाया गया है और चरमोत्कर्ष में खान अपनी जो है शॉर्ट के साथ जो है धूल भरी धरती से उठते हैं और अंत में आपको बता दें एप्स का थोड़ा सा सेट प्रकट करने के लिए भी खड़े होते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि कोई भी ये सोचेगा कि भाई आपके रुपए के लिए क्या होगा। कथित तौर पर दोस्तों अजीत स्टारर बिरम फिल्म 2014 की रिमेक है ये मूवी, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मोहब्बतें 2000 के लिए निर्देशित किए गए फरहाद सामजी के ओडी जैसा लगता है। इसके बाद दोस्तों इस मूवी उसके बाद राघव जुलाय होम जस्सी गिल और इसमें कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया का बड़ा भाई भाईजान इस फिल्म में है, क्योंकि एक प्रतिबंध जो है अविवाहित है जब तक कि वह खुद को पत्नी नहीं बना लेता। जब वह खुद अपनी पत्नी नहीं बना लेता तब तक जो है छोटे तिगड़ी जो है कपल होने का यानी कि सपना नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे मत पूछिए ये एक जो फरहाद सामजी की फिल्म है जहाँ पे तर्क की अपेक्षा करना काफ़ी जो है मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के बजाय हमें पूजा हेगड़े भाग्य लक्ष्मी के रूप में मिलती है। इन्हें जो है भाईजान को नरम करने का काम सौंपा गया है। वह एक रूढ़िवादी यहाँ पे अच्छी तरह से अभिनय की है और उसका जो है असली नाम या फिर उसके बारे में कुछ भी जो है नहीं जानने के बावजूद भाईजान से वो प्यार करती है। दूसरी ओर वह यहाँ पे देखने को मिलता है कि वह संरक्षण रूढ़िवादी और यहाँ पे बहाली के बीच के अंतर को नहीं जानती है, इसीलिए शायद जो यहाँ पे अज्ञानता और वास्तव में आनंद है, जबकि जो है ये सब काफी शानदार है फिल्म में। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी का भाई किसी की जान फिल्म को, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये मूवी साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है।
भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्म में और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करते हैं और अपने महिला प्रेम के साथ जो है इस फिल्म में नासमझ और मनमोहक जो है मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण फिल्म में काफी शानदार तरीके से रखते हैं। इस बार दोस्तों भाईजान कुछ जो है चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म की कुछ हंसी यानी कि मजाक के पल है। और ये आपको बता दे स्टाइलिश एक्शन के साथ जो है AN1 के साथ आरासू धारा तैयार किया गया है जो इस फिल्म को एक हद तक जो है बदल सकता है जो पहले कभी ना देखे हो आप। इसके अलावा दोस्तों बता दें ये फिल्म एक स्टाइल वाले जो है स्टंट के साथ प्रत्येक यानी सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है मूवी को। दक्षिण के बारे में हम बात कर ले तो दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी जो है पड़ाव पर इस फिल्म में कामयाब होते हैं। वेंकटेश फिल्म में यहाँ पे गुडा मरेनी के रूप में काफी शानदार प्रदर्शन दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने जो है प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। पूजा हेगड़े के बारे में हम बात कर ले तो पूजा हेगड़े की एक भावपूर्ण भूमिका है इसे उन्होंने इस फिल्म के अंदर आत्मविश्वास से निभाया है। लेकिन दोस्तों ओवर द टॉप फिल्मी के बारे में बात कर ले तो हरकतों को कम कर दिया गया क्योंकि अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल जो यहाँ पे रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है। इसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम यानी कि गुंजाइश होती है। फिल्म में लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं जहाँ खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली फिल्म में छोड़े हैं। सलमान खान अभिनीत की गई ये फिल्म एक बार फिर जो है उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेला गया है क्योंकि ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है फिल्म में लॉर्ड जॉर्ज डेन के साथ इस फिल्म के अंदर लाइव एक्शन में काफी शानदार दिखते हैं। समस्या यह है फिल्म की कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है क्योंकि बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी जो है सैंडर्ड और सबसे कमजोर पटकथा को सलमान खान के स्टार पावर से मेल नहीं खाती जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है। और यहां पे बता दे कुछ और भी चीज आपको देखने को मिलता है जो फिल्म में काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान की नवीनतम फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्म काफी शानदार कमाई करेगी। यहाँ पे सलमान खान की फिल्म में बता दे शादी न करने का फैसला है क्योंकि वो अपने तीन भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों बता दे कहानी सलमान खान के इर्द गिर्द घूमता है। सलमान खान यहाँ पे एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं और वह कुछ दृश्यों में अच्छे हैं क्योंकि खासकर सेकेंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और इमोशनल दृश्यों में उनका अभिनय काफी अच्छा देखने को मिलता है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है फिल्म में। उनकी स्क्रीन उपस्थिति बहुत अच्छी है और जैसे कि ऊपर कहा गया है कि सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देता है देखने के लिए। पूजा हेगड़े काफी खूबसूरत दिखती है और वह उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक ठाक है लेकिन इमोशनल सीन्स ने काफी हद तक जो है काम किया है। मेट्रो की लड़ाई के बारे में हम बात कर ले तो वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी शानदार है इस फिल्म की। इसके साथ दोस्तों एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो यहाँ पे KKBKK के साथ जो है औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि सलमान खान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रिमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई यानी कि सोचेगा कि ये सलमान खान की फिल्म है या फिर वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य है जो आपको ऐसा महसूस होता है फिल्म में। कहानी में नवीनता का अभाव यह है कि कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है कि एक प्रेम दृश्य को दो यानी कि चेतावनी दृश्यों के बीच में काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि किसी बिंदु पर दर्शक कहेंगे कि क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया है।
इसके बाद दोस्तों बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया गया फिल्म में, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलेन की याद दिलाता है। साथ ही साथ भूमिका चावला का अपनी इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे हैं, लेकिन गाने के कुछ स्थान जो है अनुपयुक्त है और वह कहानी के लिए यानी कि बधाव की तरह लगता है। चरमोत्कर्ष का हिस्सा के बारे में हम बात कर ले तो चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि यहाँ पे निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिखे और निष्पादित करना चाहते थे फिल्म को। इसके बाद दोस्तों कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं है, लेकिन इसके बजाय कुछ यानी कि चेहरे के अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फरहाद सामजी यहाँ पे स्पर्श खेत्रपाल और ताशा जो भंबारा ने पटकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक है। हालांकि उन्हें सलमान खान के किरदार का ज्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनसे कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फराज सामजी किसी का भाई किसी की जान को एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे, ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा गया है, जो KGF के साथ आपको बता दे प्रसिद्धि के रवि बसूर द्वारा इस स्कोर को यहां पे संभाला गया था। और बता दे मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, क्योंकि संपादन और बेहतर हो सकता था, क्योंकि इसमें और भी कुछ अच्छी तरह से काम किया जा सकता था। कुल मिलाकर दोस्तों किसी का भाई किसी की जान बीरम की ईमानदारी रिमेक है, जो अवसर दर्जे का प्लॉट है। दोस्तों इस फिल्म में पुराने दृश्य उबाऊ बना देता है, कुछ इमोशनल सीन आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर दोस्तों फिल्म देखने लायक है, एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। भले ही दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो लेखक विशेष प्रभाव फिल्म के साउंड और सिनेमा संबंधी जो ऐसे अन्य जो है गतिशील भागे होती है, लेकिन दोस्तों किसी की भाई किसी की जान के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म जो है वर्ष की सबसे अधिक कमाई करेगी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 181 करोड़ की ही कमाई किया है। ईद पर रिलीज होने के बाद इस मूवी ने इतनी कम कमाई किया है। दोस्तों फिल्म के बारे में लिखा गया कि ये एक मनोरंजन फिल्म है। एक आकांक्षी के बारे में लिखा गया कि यहाँ पे सांस्कृतिक जो है रिसेट है और खिड़की से बाहर तक जो है कि जैसे मामूली बुरानों को यहाँ पे चमकाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बतला दें यहाँ पे अनिवार्य के रूप में यहाँ पे ये समाप्त होता है कि 144 मिनट की लंबी स्क्रिप्ट है, क्योंकि पहली बार जब हम सलमान खान को देखते हैं तो वह लंबे बालों और चमड़े का एक हाव में नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पे यूसुफ के प्रतिरूपण की तरह दिखाया गया है, जो एक बाइकर गिरोह का भी हिस्सा है। अगले में आपको बता दें तो 142 मिनट के दौरान हमें जो है एक व्यवस्थित किए गए और साथ ही साथ दोस्तों कष्टदायी रूप से धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों शेडिंग में हमें ये मिलता है कि सबसे पहले लंबे बाल उनके दिखाए गए हैं, फिर दाढ़ी वाला लुक दिखाया गया है और चरमोत्कर्ष में खान अपनी जो है शॉर्ट के साथ जो है धूल भरी धरती से उठते हैं और अंत में आपको बता दें एप्स का थोड़ा सा सेट प्रकट करने के लिए भी खड़े होते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि कोई भी ये सोचेगा कि भाई आपके रुपए के लिए क्या होगा। कथित तौर पर दोस्तों अजीत स्टारर बीरम फिल्म 2014 की रिमेक है ये मूवी, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मोहब्बतें 2000 के लिए निर्देशक किए गए फरहाद सामजी के ओडी जैसा लगता है। इसके बाद दोस्तों इस मूवी उसके बाद राघव जुलाय होम जस्सी गिल और इसमें कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया का बड़ा भाई भाईजान इस फिल्म में है, क्योंकि एक प्रतिबंध जो है अविवाहित है, जब तक कि वह खुद को पत्नी नहीं बना लेता, जब वह खुद अपनी पत्नी नहीं बना लेता तब तक जो है छोटी टिकड़ी जो है कपल होने का यानी कि सपना नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे मत पूछिए ये एक जो फरहाद सामजी की फिल्म है जहाँ पे तर्क की अपेक्षा करना काफी जो है मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के बजाय हमें पूजा हेगड़े भाग्यलक्ष्मी के रूप में मिलती है। इन्हें जो है भाईजान को नरम करने का काम सौंपा गया है। वह एक रूढ़िवादी यहाँ पे अच्छी तरह से अभिनय की है और उसका जो है असली नाम या फिर उसके बारे में कुछ भी जो है नहीं जानने के बावजूद भाईजान से वो प्यार करती है। दूसरी ओर वह यहाँ पे देखने को मिलता है कि वह संरक्षण रूढ़िवादी और यहाँ पे बहाली के बीच के अंतर को नहीं जानती है, इसीलिए शायद जो यहाँ पे अज्ञानता और वास्तव में आनंद है, जबकि जो है ये सब काफी शानदार है फिल्म में। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी का भाई किसी की जान फिल्म को, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये मूवी साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्म में और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करते हैं।
और अपने महिला प्रेम के साथ जो है इस फिल्म में नासमझ और मनमोहक जो है मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण फिल्म में काफी शानदार तरीके से रखते हैं। इस बार दोस्तों भाईजान कुछ जो है इनके चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म की कुछ हंसी यानी कि मजाक के पल है। और ये आपको बता दे स्टाइलिश एक्शन के साथ जो है ANA के साथ आरासू धारा तैयार किया गया है जो इस फिल्म को एक हद तक जो है बदल सकता है जो पहले कभी ना देखे हो आप। इसके अलावा दोस्तों बता दें ये फिल्म एक स्टाइल वाले जो है स्टंट के साथ प्रत्येक यानी सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है। मूवी को दक्षिण के बारे में हम बात कर ले तो दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी जो है पड़ाव पर इस फिल्म में कामयाब होते हैं। वेंकटेश फिल्म में यहाँ पे गुडा मनेनी के रूप में काफी शानदार प्रदर्शन दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बतला दे एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने जो है प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। पूजा हेगड़े के बारे में हम बात कर ले तो पूजा हेगड़े की एक भावपूर्ण भूमिका है इसे उन्होंने इस फिल्म के अंदर आत्मविश्वास से निभाया है। लेकिन दोस्तों ओवर द टॉप फिल्मी के बारे में हम बात कर ले तो हरकतों को कम कर दिया गया क्योंकि अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल जो यहाँ पे रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है। इसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम यानी की गुंजाइश होती है। फिल्म में लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं जहां खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली फिल्म में छोड़े हैं। सलमान खान अभिनीत की गई ये फिल्म एक बार फिर जो है उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेला गया है क्योंकि ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है फिल्म में लॉर्ड जॉर्डन के साथ इस फिल्म के अंदर लाइव एक्शन में काफी शानदार दिखते हैं। समस्या यह है फिल्म की कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है क्योंकि बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी जो है साउंडर और सबसे कमजोर पटकथा को सलमान खान के स्टार पावर से मेल नहीं खाती जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है। और यहाँ पे बता दे कुछ और भी चीज आपको देखने को मिलता है जो फिल्म में काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान की नवीनतम फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्म काफी शानदार कमाई करेगी। यहाँ पे सलमान खान की फिल्म में बता दे शादी न करने का फैसला है क्योंकि वो अपने तीन भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों बता दे कहानी सलमान खान के इर्द गिर्द घूमता है। सलमान खान यहाँ पे एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं और वह कुछ दृश्यों में अच्छे हैं क्योंकि खासकर सेकेंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और इमोशनल दृश्यों में उनका अभिनय काफी अच्छा देखने को मिलता है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है फिल्म में। उनकी स्क्रीन उपस्थिति बहुत अच्छी है और जैसे कि ऊपर कहा गया है कि सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देता है देखने के लिए। पूजा हेगड़े काफी खूबसूरत दिखती है और वह उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक ठाक है लेकिन इमोशनल सीन्स ने काफी हद तक जो है काम किया है। मेट्रो की लड़ाई के बारे में हम बात कर ले तो वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी शानदार है इस फिल्म की। इसके साथ दोस्तों एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो यहाँ पे KKBKK के साथ जो है औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि सलमान खान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रिमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई यानी कि सोचेगा कि ये सलमान खान की फिल्म है या फिर वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य है जो आपको ऐसा महसूस होता है फिल्म में। कहानी में नवीनता का अभाव यह है कि कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है कि एक प्रेम दृश्य को दो यानी कि चेतावनी दृश्यों के बीच में काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि किसी बिंदु पर दर्शक कहेंगे कि क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया है।
इसके बाद दोस्तों बदला लेने वाले प्रति पक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया गया फिल्म में, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलेन की याद दिलाता है। साथ ही साथ भूमिका चावला का अपनी इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे हैं, लेकिन गाने के कुछ स्थान जो है अनुपयुक्त है और वह कहानी के लिए यानी कि बधाव की तरह लगता है। चरमो तकर्ष का हिस्सा के बारे में हम बात कर ले तो चरमो तकर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि यहाँ पे निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिखे और निष्पादित करना चाहते थे फिल्म को। इसके बाद दोस्तों कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं है, लेकिन इसके बजाय कुछ यानी कि चेहरे के अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फरहाद सामजी यहाँ पे स्पर्श खेत्रपाल और ताशा जो भंबारा ने पटकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक है। हालांकि उन्हें सलमान खान के किरदार का ज्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनसे कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फराज सामजी किसी का भाई किसी की जान को एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे, ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा गया है, जो KGF के साथ आपको बता दे प्रसिद्धि के रवि बसूर द्वारा इस स्कोर को यहाँ पे संभाला गया था। और बता दे मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, क्योंकि संपादन और बेहतर हो सकता था, क्योंकि इसमें और भी कुछ अच्छी तरह से काम किया जा सकता था। कुल मिलाकर दोस्तों किसी का भाई किसी की जान बिरम की ईमानदारी रिमेक है, जो अवसर दर्जे का प्लॉट है। दोस्तों इस फिल्म में पुराने दृश्य उबाऊ बना देता है, कुछ इमोशनल सीन आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर दोस्तों फिल्म देखने लायक है, एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। भले ही दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो लेखक विशेष प्रभाव फिल्म के साउंड और सिनेमा संबंधी जो ऐसे अन्य जो है गतिशील भागे होती है, लेकिन दोस्तों किसी की भाई किसी की जान के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म जो है वर्ष की सबसे अधिक कमाई करेगी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 181 करोड़ की ही कमाई किया है। ईद पर रिलीज होने के बाद इस मूवी ने इतनी कम कमाई किया है। दोस्तों फिल्म के बारे में लिखा गया कि ये एक मनोरंजन फिल्म है। एक आकांक्षी के बारे में लिखा गया कि यहाँ पे सांस्कृतिक जो है रिसेट है और खिड़की से बाहर तक जो है कि जैसे मामूली विवरणों को यहाँ पे चमकाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे अनिवार्य के रूप में यहाँ पे ये समाप्त होता है कि 144 मिनट की लंबी स्क्रिप्ट है, क्योंकि पहली बार जब हम सलमान खान को देखते हैं तो वह लंबे बालों और चमड़े का एक हाव में नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पे यीशु के प्रतिरूपण की तरह दिखाया गया है, जो एक बाइकर गिरोह का भी हिस्सा है। अगले में आपको बता दें तो 142 मिनट के दौरान हमें जो है एक व्यवस्थित किए गए और साथ ही साथ दोस्तों कष्टदायी रूप से धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों शेडिंग में हमें ये मिलता है कि सबसे पहले लंबे बाल उनके दिखाए गए हैं, फिर दाढ़ी वाला लुक दिखाया गया है और चरमो तकर्ष में खान अपने जो है शॉर्ट के साथ जो है धूल भरी धरती से उठते हैं और अंत में आपको बता दें एप्स का थोड़ा सा सेट प्रकट करने के लिए भी खड़े होते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि कोई भी ये सोचेगा कि भाई आपके रुपए के लिए क्या होगा। कथित तौर पर दोस्तों अजीत स्टारर बिरम फिल्म 2014 की रिमेक है ये मूवी, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मोहब्बतें 2000 के लिए निर्देशक किए गए फरहाद सामजी के ओडी जैसा लगता है। इसके बाद दोस्तों इश्क मूवी, उसके बाद राघव, जुलाई होम, जस्सी गिल और इसमें कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया का बड़ा भाई भाईजान इस फिल्म में है, क्योंकि एक प्रतिबंध जो है अविवाहित है, जब तक कि वह खुद को पत्नी नहीं बना लेता, जब वह खुद अपनी पत्नी नहीं बना लेता तब तक जो है छोटी तिगड़ी जो है कपल होने का यानी कि सपना नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे मत पूछिए ये एक जो फरहाद सामजी की फिल्म है, जहाँ पे तर्क की अपेक्षा करना काफी जो है मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के बजाय हमें पूजा हेगड़े भाग्यलक्ष्मी के रूप में मिलती है। इन्हें जो है भाईजान को नरम करने का काम सौंपा गया है। वह एक रूढ़िवादी यहाँ पे अच्छी तरह से अभिनय की है और उसका जो है असली नाम या फिर उसके बारे में कुछ भी जो है नहीं जानने के बावजूद भाईजान से वो प्यार करती है। दूसरी ओर वह यहाँ पे देखने को मिलता है कि वह संरक्षण रूढ़िवादी और यहाँ पे बहाली के बीच के अंतर को नहीं जानती है, इसीलिए शायद जो यहाँ पे अज्ञानता और वास्तव में आनंद है, जबकि जो है ये सब काफी शानदार है फिल्म में। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे किसी का भाई किसी की जान फिल्म को, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा।
इसी के साथ दोस्तों बता दें ये मूवी साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्म में और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करते हैं और अपने महिला प्रेम के साथ जो है इस फिल्म में नासमझ और मनमोहक जो है मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण फिल्म में काफी शानदार तरीके से रखते हैं। इस बार दोस्तों भाईजान कुछ यानी कि चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म की कुछ हंसी यानी कि मजाक के पल है। और ये आपको बता दे स्टाइलिश एक्शन के साथ जो है AN1 के साथ अरासू धारा तैयार किया गया है जो इस फिल्म को एक हद तक जो है बदल सकता है जो पहले कभी ना देखे हो आप। इसके अलावा दोस्तों बता दें ये फिल्म एक स्टाइल वाले जो है स्टंट के साथ प्रत्येक यानी सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है मूवी को। दक्षिण के बारे में हम बात कर ले तो दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी जो है पड़ाव पर इस फिल्म में कामयाब होते हैं। वेंकटेश फिल्म में यहाँ पे गुडा मनेनी के रूप में काफी शानदार प्रदर्शन दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बतला दे एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने जो है प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। पूजा हेगड़े के बारे में हम बात कर ले तो पूजा हेगड़े की एक भावपूर्ण भूमिका है इसे उन्होंने इस फिल्म के अंदर आत्मविश्वास से निभाया है। लेकिन दोस्तों ओवर द टॉप फिल्मी के बारे में हम बात कर ले तो हरकतों को कम कर दिया गया क्योंकि अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल जो यहाँ पे रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है जिसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम यानी कि गुंजाइश होती है। फिल्म में लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं जहां खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली फिल्म में छोड़े हैं। सलमान खान अभिनीत की गई ये फिल्म एक बार फिर जो है उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेला गया है क्योंकि ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है फिल्म में लॉर्ड जॉर्ज डेन के साथ इस फिल्म के अंदर लाइव एक्शन में काफी शानदार दिखते हैं। समस्या यह है फिल्म की कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है क्योंकि बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी जो है साउंडर और सबसे कमजोर पटकथा को सलमान खान के स्टार पावर से मेल नहीं खाती जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है और यहाँ पे बता दे कुछ और भी चीज आपको देखने को मिलता है जो फिल्म में काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड मेगास्टार सलमान खान की नवीनतम फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्म काफी शानदार कमाई करेगी। यहाँ पे सलमान खान की फिल्म में बता दे शादी न करने का फैसला है क्योंकि वो अपने तीन भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों बता दे कहानी सलमान खान के इर्द गिर्द घूमता है। सलमान खान यहाँ पे एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं और वह कुछ दृश्यों में अच्छे हैं क्योंकि खासकर सेकेंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और इमोशनल दृश्यों में उनका अभिनय काफी अच्छा देखने को मिलता है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है फिल्म में। उनकी स्क्रीन उपस्थिति बहुत अच्छी है और जैसे कि ऊपर कहा गया कि सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देता है देखने के लिए। पूजा हेगड़े काफी खूबसूरत दिखती है और वह उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक ठाक है लेकिन इमोशनल सीन्स ने काफी हद तक जो है काम किया है। मेट्रो की लड़ाई के बारे में हम बात कर ले तो वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी शानदार है इस फिल्म की। इसके साथ दोस्तों एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो यहाँ पे KKBKK के साथ जो है औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि सलमान खान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रिमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई यानी कि सोचेगा कि ये सलमान खान की फिल्म है या फिर वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य है जो आपको ऐसा महसूस होता है फिल्म में। कहानी में नवीनता का अभाव यह है कि कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है कि एक प्रेम दृश्य को दो यानी कि चेतावनी दृश्यों के बीच में काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि किसी बिंदु पर दर्शक कहेंगे कि क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया है।
इसके बाद दोस्तों बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया गया फिल्म में, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलेन की याद दिलाता है। साथ ही साथ भूमिका चावला का अपनी फिल्म में अपनी इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे हैं, लेकिन गाने के कुछ स्थान जो है अनुपयुक्त है और वह कहानी के लिए यानी कि बधाव की तरह लगता है। चरमोत्कर्ष का हिस्सा के बारे में हम बात कर ले तो चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि यहाँ पे निर्देशक इससे बेहतर ढंग से लिखे और निष्पादित करना चाहते थे फिल्म को। इसके बाद दोस्तों कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं है, लेकिन इसके बजाय कुछ यानी कि चेहरे के अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फरहाद सामजी यहाँ पे स्पर्श से खेत्रपाल और ताशा जो भंबारा ने पटकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक है। हालांकि उन्हें सलमान खान के किरदार का ज्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनसे कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फराज सामजी किसी का भाई किसी की जान को एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे, ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा गया है जो KGF के साथ आपको बता दे प्रसिद्धि के रवि बसूर द्वारा इस कोर को यहाँ पे संभाला गया था। और बता दे मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, क्योंकि संपादन और बेहतर हो सकता था, क्योंकि इसमें और भी कुछ अच्छी तरह से काम किया जा सकता था। कुल मिलाकर दोस्तों किसी का भाई किसी की जान बिरम की ईमानदारी रिमेक है जो अवसर दर्जे का प्लॉट है। दोस्तों इस फिल्म में पुराने दृश्य उबाऊ बना देता है, कुछ इमोशनल सीन आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर दोस्तों फिल्म देखने लायक है, एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। भले ही दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो लेखक विशेष प्रभाव फिल्म के साउंड और सिनेमा संबंधी जो ऐसे अन्य जो है गतिशील भागे होती है, लेकिन दोस्तों किसी की भाई किसी की जान के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म जो है वर्ष की सबसे अधिक कमाई करेगी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 181 करोड़ की ही कमाई किया है। ईद पर रिलीज होने के बाद इस मूवी ने इतनी कम कमाई किया है। दोस्तों फिल्म के बारे में लिखा गया कि ये एक मनोरंजन फिल्म है। एक आकांक्षी के बारे में लिखा गया कि यहाँ पे सांस्कृतिक जो है रिसेट है और खिड़की से बाहर तक जो है कि जैसे मामूली ब्यूरोनों को यहाँ पे चमकाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे अनिवार्य के रूप में यहाँ पे ये समाप्त होता है कि 144 मिनट की लंबी स्क्रिप्ट है, क्योंकि पहली बार जब हम सलमान खान को देखते हैं तो वह लंबे बालों और चमड़े का एक हाव में नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पे यीशु के प्रतिरूपण की तरह दिखाया गया है जो एक बाइकर गिरोह का भी हिस्सा है। अगले में आपको बता दें तो 142 मिनट के दौरान हमें जो है एक व्यवस्थित किए गए और साथ ही साथ दोस्तों कष्टदायी रूप से धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों शेडिंग में हमें ये मिलता है कि सबसे पहले लंबे बाल उनके दिखाए गए हैं, फिर दाढ़ी वाला लुक दिखाया गया है और चरमोत्कर्ष में खान अपनी जो है शॉर्ट के साथ जो है धूल भरी धरती से उठते हैं और अंत में आपको बता दें एप्स का थोड़ा सा सेट प्रकट करने के लिए भी खड़े होते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि कोई भी ये सोचेगा कि भाई आपके रुपए के लिए क्या होगा। कथित तौर पर दोस्तों अजीत स्टारर बिरम फिल्म 2014 की रिमेक है ये मूवी, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मोहब्बतें 2000 के लिए निर्देशक किए गए फरहाद सामजी के ओडी जैसा लगता है। इसके बाद दोस्तों इस मूवी उसके बाद राघव जुलाय होम जस्सी गिल और इसमें कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया का बड़ा भाई भाईजान इस फिल्म में है, क्योंकि एक प्रतिबंध जो है अविवाहित है, जब तक कि वह खुद को पत्नी नहीं बना लेता, जब वह खुद अपनी पत्नी नहीं बना लेता तब तक जो है छोटी तिकड़ी जो है कपल होने का यानी कि सपना नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे मत पूछिए ये एक जो फरहाद सामजी की फिल्म है जहाँ पे तर्क की अपेक्षा करना काफी जो है मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के बजाय हमें पूजा हेगड़े भाग्य लक्ष्मी के रूप में मिलती है। इन्हें जो है भाईजान को नरम करने का काम सौंपा गया है। वह एक रूढ़िवादी यहाँ पे अच्छी तरह से अभिनय की है और उसका जो है असली नाम या फिर उसके बारे में कुछ भी जो है नहीं जानने के बावजूद भाईजान से वो प्यार करती है। दूसरी ओर वह यहाँ पे देखने को मिलता है कि वह संरक्षण रूढ़िवादी और यहाँ पे बहाली के बीच के अंतर को नहीं जानती है, इसीलिए शायद जो यहाँ पे अज्ञानता और वास्तव में आनंद है, जबकि जो है ये सब काफी शानदार है फिल्म में। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी का भाई किसी की जान फिल्म को, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये मूवी साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्म में
और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करते हैं और अपने महिला प्रेम के साथ जो है इस फिल्म में नासमझ और मनमोहक जो है मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण फिल्म में काफी शानदार तरीके से रखते हैं। इस बार दोस्तों भाईजान कुछ जो इनके चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म की कुछ हंसी यानी कि मजाक के पल है। और ये आपको बता दे कि स्टाइलिश एक्शन के साथ जो है AN1 के साथ आरासू धारा तैयार किया गया है जो इस फिल्म को एक हद तक जो है बदल सकता है जो पहले कभी ना देखे हो आप। इसके अलावा दोस्तों बता दें ये फिल्म एक स्टाइल वाले जो है स्टंट के साथ प्रत्येक यानी सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है मूवी को। दक्षिण के बारे में हम बात कर ले तो दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी जो है पड़ाव पर इस फिल्म में कामयाब होते हैं। वेंकटेश फिल्म में यहाँ पे गुडा मनेनी के रूप में काफी शानदार प्रदर्शन दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने जो है प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। पूजा हेगड़े के बारे में हम बात कर ले तो पूजा हेगड़े की एक भावपूर्ण भूमिका है इसे उन्होंने इस फिल्म के अंदर आत्मविश्वास से निभाया है। लेकिन दोस्तों ओवर द टॉप फिल्मी के बारे में हम बात कर ले तो हरकतों को कम कर दिया गया क्योंकि अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल जो यहाँ पे रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है जिसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम यानी कि गुंजाइश होती है। फिल्म में लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं जहां खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली फिल्म में छोड़े हैं। सलमान खान अभिनीत की गई ये फिल्म एक बार फिर जो है उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेला गया है क्योंकि ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है फिल्म में लॉर्ड जॉर्डन के साथ इस फिल्म के अंदर लाइव एक्शन में काफी शानदार दिखते हैं। समस्या यह है फिल्म की कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है क्योंकि बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी जो है साउंडर और सबसे कमजोर पटकथा को सलमान खान के स्टार पावर से मेल नहीं खाती जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है। और यहाँ पे बता दे कुछ और भी चीज आपको देखने को मिलता है जो फिल्म में काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान की नवीनतम फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्म काफी शानदार कमाई करेगी। यहाँ पे सलमान खान की फिल्म में बता दे शादी न करने का फैसला है क्योंकि वो अपने तीन भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों बता दे कहानी सलमान खान के इर्द गिर्द घूमता है। सलमान खान यहाँ पे एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं और वह कुछ दृश्यों में अच्छे हैं क्योंकि खासकर सेकेंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और इमोशनल दृश्यों में उनका अभिनय काफी अच्छा देखने को मिलता है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है फिल्म में। उनकी स्क्रीन उपस्थिति बहुत अच्छी है और जैसे कि ऊपर कहा गया कि सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देता है देखने के लिए। पूजा हेगड़े काफी खूबसूरत दिखती है और वह उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक ठाक है लेकिन इमोशनल सीन्स ने काफी हद तक जो है काम किया है। मेट्रो की लड़ाई के बारे में हम बात कर ले तो वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी शानदार है इस फिल्म की। इसके साथ दोस्तों एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो यहाँ पे KKBKK के साथ जो है औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि सलमान खान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रिमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई इनकी सोचेगा कि ये सलमान खान की फिल्म है या फिर वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य है जो आपको ऐसा महसूस होता है फिल्म में। कहानी में नवीनता का अभाव यह है कि कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है कि एक प्रेम दृश्य को दो यानी कि चेतावनी दृश्यों के बीच में काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि किसी बिंदु पर दर्शक कहेंगे कि क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया गया है फिल्म में लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलेन की याद दिलाता है। साथ ही साथ भूमिका चावला का अपनी इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है।
कुछ गाने सुनने में अच्छे हैं लेकिन गाने के कुछ स्थान जो है अनुपयुक्त है और वह कहानी के लिए यानी कि बधाव की तरह लगता है। चर्मोत्कर्ष का हिस्सा के बारे में हम बात कर ले तो चर्मोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि यहाँ पे निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिखे और निष्पादित करना चाहते थे फिल्म को। इसके बाद दोस्तों कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं है, लेकिन इसके बजाय कुछ यानी कि चेहरे के अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। फरहाद सामजी यहाँ पे स्पर्श खेत्रपाल और ताशा जो भंबारा ने पटकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक है। हालांकि उन्हें सलमान खान के किरदार का ज्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनसे कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फराज सामजी किसी का भाई किसी की जान को एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे, ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा गया है जो KGF के साथ है। आपको बता दें प्रसिद्धि के रवि बसु द्वारा इस स्कोर को यहां पे संभाला गया था और बता दें मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, क्योंकि संपादन और बेहतर हो सकता था क्योंकि इसमें और भी कुछ अच्छी तरह से काम किया जा सकता था। कुल मिलाकर दोस्तों किसी का भाई किसी की जान बिरम की ईमानदारी रिमेक है जो अवसर दर्जे का प्लॉट है। दोस्तों इस फिल्म में पुराने दृश्य उबाऊ बना देता है, कुछ इमोशनल सीन आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। कुल मिला के दोस्तों फिल्म देखने लायक है, एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। भले ही दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो लेखक विशेष प्रभाव फिल्म के साउंड और सिनेमा संबंधी जो ऐसे अन्य जो है गतिशील भागे होती है, लेकिन दोस्तों किसी की भाई किसी की जान के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म जो है वर्ष की सबसे अधिक कमाई करेगी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 181 करोड़ की ही कमाई किया है। ईद पर रिलीज होने के बाद इस मूवी ने इतनी कम कमाई किया है। दोस्तों फिल्म के बारे में लिखा गया कि ये एक मनोरंजन फिल्म है। एक आकांक्षी के बारे में लिखा गया कि यहाँ पे सांस्कृतिक जो है रिसेट है और खिड़की से बाहर तक जो है कि जैसे मामूली विवरणों को यहाँ पे चमकाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे अनिवार्य के रूप में यहाँ पे ये समाप्त होता है कि 144 मिनट की लंबी स्क्रिप्ट है, क्योंकि पहली बार जब हम सलमान खान को देखते हैं तो वह लंबे बालों और चमड़े का एक हाव में नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पे यीशु के प्रतिरूपण की तरह दिखाया गया है जो एक बाइकर गिरोह का भी हिस्सा है। अगले में आपको बता दें तो 142 मिनट के दौरान हमें जो है एक व्यवस्थित किए गए और साथ ही साथ दोस्तों कष्टदायी रूप से धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों शेडिंग में हमें ये मिलता है कि सबसे पहले लंबे बाल उनके दिखाए गए हैं, फिर दाढ़ी वाला लुक दिखाया गया है और चर्मोत्कर्ष में खान अपने जो है शॉर्ट के साथ जो है धूल भरी धरती से उठते हैं और अंत में आपको बता दें एप्स का थोड़ा सा सेट प्रकट करने के लिए भी खड़े होते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि कोई भी ये सोचेगा कि भाई आपके रुपए के लिए क्या होगा। कथित तौर पर दोस्तों अजीत स्टारर बिरम फिल्म 2014 की रिमेक है ये मूवी, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मोहब्बतें 2000 के लिए निर्देशित किए गए फरहाद सामजी के ओडी जैसा लगता है। इसके बाद दोस्तों इस मूवी उसके बाद राघव जुलाय होम जस्सी गिल और इसमें कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया का बड़ा भाई भाईजान इस फिल्म में है, क्योंकि एक प्रतिबंध जो है अविवाहित है जब तक कि वह खुद को पत्नी नहीं बना लेता। जब वह खुद अपनी पत्नी नहीं बना लेता तब तक जो है छोटी तिगड़ी जो है कपल होने का यानी कि सपना नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे मत पूछिए ये एक जो फरहाद सामजी की फिल्म है जहाँ पे तर्क की अपेक्षा करना काफी जो है मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के बजाय हमें पूजा हेगड़े भाग्य लक्ष्मी के रूप में मिलती है। इन्हें जो है भाईजान को नरम करने का काम सौंपा गया है। वह एक रूढ़िवादी यहाँ पे अच्छी तरह से अभिनय की है और उसका जो है असली नाम या फिर उसके बारे में कुछ भी जो है नहीं जानने के बावजूद भाईजान से वो प्यार करती है। दूसरी ओर वह यहाँ पे देखने को मिलता है कि वह संरक्षण रूढ़िवादी और यहाँ पे बहाली के बीच के अंतर को नहीं जानती है, इसीलिए शायद जो यहाँ पे अज्ञानता और वास्तव में आनंद है, जबकि जो है ये सब काफी शानदार है फिल्म में। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी का भाई किसी की जान फिल्म को, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये मूवी साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्म में और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करते हैं और अपने महिला प्रेम के साथ जो है इस फिल्म में नासमझ और मनमोहक जो है मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण फिल्म में काफी शानदार तरीके से रखते हैं। इस बार दोस्तों भाईजान कुछ जो है कि चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म की कुछ हंसी यानी कि मजाक के पल है और ये आपको बता दे स्टाइलिश एक्शन के साथ जो है AN1 के साथ आरासू धारा तैयार किया गया है।
जो इस फिल्म को एक हद तक जो है बदल सकता है जो पहले कभी ना देखे हो आप। इसके अलावा दोस्तों बता दें, ये फिल्म एक स्टाइल वाले जो है स्टंट के साथ प्रत्येक यानी सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है मूवी को। दक्षिण के बारे में हम बात कर ले तो दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी जो है पड़ाव पर इस फिल्म में कामयाब होते हैं। वेंकटेश फिल्म में यहाँ पे गुडा मनेनी के रूप में काफी शानदार प्रदर्शन दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें, एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं, जो अपने जो है प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। पूजा हेगड़े के बारे में हम बात कर ले तो पूजा हेगड़े की एक भावपूर्ण भूमिका है, इसे उन्होंने इस फिल्म के अंदर आत्मविश्वास से निभाया है। लेकिन दोस्तों ओवर द टॉप फिल्मी के बारे में हम बात कर ले तो हरकतों को कम कर दिया गया, क्योंकि अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल जो यहाँ पे रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है। इसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम यानी कि गुंजाइश होती है। फिल्म में लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं, जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं, जहां खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली फिल्म में छोड़े हैं। सलमान खान अभिनीत की गई ये फिल्म एक बार फिर जो है उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेला गया है, क्योंकि ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है फिल्म में लॉर्ड जॉर्डन के साथ इस फिल्म के अंदर लाइव एक्शन में काफी शानदार दिखते हैं। समस्या यह है फिल्म की कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है, क्योंकि बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी जो है सैंडर्ड और सबसे कमजोर पटकथा को सलमान खान के स्टार पावर से मेल नहीं खाती, जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है। और यहाँ पे बता दे कुछ और भी चीज आपको देखने को मिलता है जो फिल्म में काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान की नवीनतम फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्म काफी शानदार कमाई करेगी। यहाँ पे सलमान खान की फिल्म में बता दे शादी न करने का फैसला है, क्योंकि वो अपने तीन भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों बता दे कहानी सलमान खान के इर्द गिर्द घूमता है। सलमान खान यहाँ पे एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं, और वह कुछ दृश्यों में अच्छे हैं, क्योंकि खासकर सेकेंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और इमोशनल दृश्यों में उनका अभिनय काफी अच्छा देखने को मिलता है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है फिल्म में। उनकी स्क्रीन उपस्थिति बहुत अच्छी है, और जैसे कि ऊपर कहा गया है कि सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देता है देखने के लिए। पूजा हेगड़े काफी खूबसूरत दिखती है और वह उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक ठाक है, लेकिन इमोशनल सीन्स ने काफी हद तक जो है काम किया है। मेट्रो की लड़ाई के बारे में हम बात कर ले तो वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू काफी शानदार है इस फिल्म की। इसके साथ दोस्तों एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो यहाँ पे केके बीकेके के साथ जो है औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि सलमान खान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रिमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई यानी कि सोचेगा कि ये सलमान खान की फिल्म है या फिर वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य है जो आपको ऐसा महसूस होता है फिल्म में। कहानी में नवीनता का अभाव यह है कि कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है कि एक प्रेम दृश्य को दो यानी कि चेतावनी दृश्यों के बीच में काफी शानदार तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि किसी बिंदु पर दर्शक कहेंगे कि क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलेन की याद दिलाता है। साथ ही साथ भूमिका चावला का अपनी इस फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे हैं, लेकिन गाने के कुछ स्थान जो है अनुपयुक्त है और वह कहानी के लिए यानी कि बधाव की तरह लगता है। चर्मोत्कर्ष का हिस्सा के बारे में हम बात कर ले तो चर्मोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि यहाँ पे निर्देशक इससे बेहतर ढंग से लिखे और निष्पादित करना चाहते थे फिल्म को। इसके बाद दोस्तों कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं है, लेकिन इसके बजाय कुछ यानी कि चेहरे के अच्छे आपको देखने को मिलेंगे।
फरहाद सामजी, हफेज पर्स, खेत्रपाल और ताशा जो भंबारा ने पटकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वह ठीक है। हालांकि उन्हें सलमान खान के किरदार का ज्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनसे कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फराज सामजी किसी का भाई किसी की जान को एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे, ऐसा भी रिपोर्ट में लिखा गया है, जो KGF के साथ आपको बता दे प्रसिद्धि के रवि बसूर द्वारा इस कोर को यहाँ पे संभाला गया था। और बता दे मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, क्योंकि संपादन और बेहतर हो सकता था, क्योंकि इसमें और भी कुछ अच्छी तरह से काम किया जा सकता था। कुल मिलाकर दोस्तों किसी का भाई किसी की जान बीरम की ईमानदारी रिमेक है, जो अवसर दर्जे का प्लॉट है। दोस्तों इस फिल्म में पुराने दृश्य उबाऊ बना देता है, कुछ इमोशनल सीन आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। कुल मिला के दोस्तों फिल्म देखने लायक है, एक बार इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। भले ही दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक के बारे में हम बात करें तो लेखक विशेष प्रभाव, फिल्म के साउंड और सिनेमा संबंधी जो ऐसे अन्य जो है गतिशील भागे होती है, लेकिन दोस्तों किसी की भाई किसी की जान के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म जो है वर्ष की सबसे अधिक कमाई करेगी, लेकिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 181 करोड़ की ही कमाई किया है। ईद पर रिलीज होने के बाद इस मूवी ने इतनी कम कमाई किया है। दोस्तों फिल्म के बारे में लिखा गया कि ये एक मनोरंजन फिल्म है। एक आकांक्षी के बारे में लिखा गया कि यहाँ पे सांस्कृतिक जो है रिसेट है और खिड़की से बाहर तक जो है कि जैसे मामूली बुरानों को यहाँ पे चमकाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों बतला दें यहाँ पे अनिवार्य के रूप में यहाँ पे ये समाप्त होता है कि 144 मिनट की लंबी स्क्रिप्ट है, क्योंकि पहली बार जब हम सलमान खान को देखते हैं तो वह लंबे बालों और चमड़े का एक हाव में नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं पे यीशु के प्रतिरूपण की तरह दिखाया गया है, जो एक बाइकर गिरोह का भी हिस्सा है। अगले में आपको बता दें तो 142 मिनट के दौरान हमें जो है एक व्यवस्थित किए गए और साथ ही साथ दोस्तों कष्टदायी रूप से धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों शेडिंग में हमें ये मिलता है कि सबसे पहले लंबे बाल उनके दिखाए गए हैं, फिर दाढ़ी वाला लुक दिखाया गया है और चरमों तकर्ष में खान अपनी जो है शॉर्ट के साथ जो है धूल भरी धरती से उठते हैं और अंत में आपको बता दें एप्स का थोड़ा सा सेट प्रकट करने के लिए भी खड़े होते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि कोई भी ये सोचेगा कि भाई आपके रुपए के लिए क्या होगा। कथित तौर पर दोस्तों अजीत स्टारर बीरम फिल्म 2014 की रिमेक है ये मूवी, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान मोहब्बत 2000 के लिए निर्देशक किए गए फरहाद सामजी के ओडी जैसा लगता है। इसके बाद दोस्तों इस मूवी उसके बाद राघव, जुलाई होम, जस्सी गिल और इसमें कई सारे स्टार कास्ट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया का बड़ा भाई भाईजान इस फिल्म में है, क्योंकि एक प्रतिबंध जो है अविवाहित है, जब तक कि वह खुद को पत्नी नहीं बना लेता, जब वह खुद अपनी पत्नी नहीं बना लेता तब तक जो है छोटी तिगड़ी जो है कपल होने का यानी कि सपना नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे मत पूछिए ये एक जो फरहाद सामजी की फिल्म है, यहाँ पे तर्क की अपेक्षा करना काफी जो है मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान के बजाय हमें पूजा हेगड़े भाग्यलक्ष्मी के रूप में मिलती है। इन्हें जो है भाईजान को नरम करने का काम सौंपा गया है। वह एक रूढ़िवादी यहाँ पे अच्छी तरह से अभिनय की है और उसका जो है असली नाम या फिर उसके बारे में कुछ भी जो है नहीं जानने के बावजूद भाईजान से वो प्यार करती है। दूसरी ओर वह यहाँ पे देखने को मिलता है कि वह संरक्षण रूढ़िवादी और यहाँ पे बहाली के बीच के अंतर को नहीं जानती है, इसीलिए शायद जो यहाँ पे अज्ञानता और वास्तव में आनंद है, जबकि जो है ये सब काफी शानदार है फिल्म में। तो गाइस इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे किसी का भाई किसी की जान फिल्म को, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें ये मूवी साल 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं फिल्म में और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करते हैं और अपने महिला प्रेम के साथ जो है इस फिल्म में नासमझ और मनमोहक जो है मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण फिल्म में काफी शानदार तरीके से रखते हैं। इस बार दोस्तों भाईजान कुछ जो है कि चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म की कुछ हंसी यानी कि मजाक के पल है और ये आपको बता दे स्टाइलिश एक्शन के साथ जो है ANA के साथ आरासू धारा तैयार किया गया है, जो इस फिल्म को एक हद तक जो है बदल सकता है जो पहले कभी ना देखे हो आप। इसके अलावा दोस्तों बता दें ये फिल्म एक स्टाइल वाले जो है स्टंट के साथ प्रत्येक यानी सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है मूवी को। दक्षिण के बारे में हम बात कर ले तो दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी जो है पड़ाव पर इस फिल्म में कामयाब होते हैं। वेंकटेश फिल्म में यहाँ पे गुडा मनेनी के रूप में काफी शानदार प्रदर्शन दिए हैं।
इसके अलावा दोस्तों बता दें, एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं, जो अपने जो है प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। पूजा हेगड़े के बारे में हम बात कर ले तो पूजा हेगड़े की एक भावपूर्ण भूमिका है, जिसे उन्होंने इस फिल्म के अंदर आत्मविश्वास से निभाया है। लेकिन दोस्तों ओवर द टॉप फिल्मी के बारे में हम बात कर ले तो हरकतों को कम कर दिया गया, क्योंकि अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल जो यहाँ पे रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है। इसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम यानी की गुंजाइश होती है। फिल्म में लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं, जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं, जहां खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली फिल्म में छोड़े हैं। सलमान खान अभिनीत की गई ये फिल्म एक बार फिर जो है उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेला गया है, क्योंकि ये क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ जो है फिल्म में लॉर्ड जॉर्ज डेन के साथ इस फिल्म के अंदर लाइव एक्शन में काफी शानदार दिखते हैं। समस्या यह है फिल्म की कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है, क्योंकि बहुत सारे पात्र एक अप्रभावी जो है सम्राट और सबसे कमजोर पटकथा को सलमान खान के स्टार पावर से मेल नहीं खाती, जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक है। और यहाँ पे बता दे कुछ और भी चीज आपको देखने को मिलता है जो फिल्म में काफी शानदार तरीके से शूट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड मेगास्टार सलमान खान की नवीनतम फिल्म किसी की भाई किसी की जान रिलीज होने के बाद उम्मीद थी कि फिल्म काफी शानदार कमाई करेगी। यहाँ पे सलमान खान की फिल्म में बता दे शादी न करने का फैसला है, क्योंकि वो अपने तीन भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहते हैं। दोस्तों बता दे दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है सलमान खान की मच ऑर्डर फिल्म, जिसका नाम है किसी का भाई किसी की जान। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात कर रहे हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बता दे दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में काफी रोमांटिक फैक्ट को बताया है। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म को कहाँ पे शूट किया गया था, फिल्म को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए थे, मूवी ने कितने कमाई किया था, इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हमने बात किया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को 21 अप्रैल 2023 को ईद के मौके पर रिलीज किया गया था हिंदी भाषा में। बात करें मूवी के बजट के बारे में तो 150 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो 181 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया। फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो फिल्म में सलमान खान, पूजा हेगड़े, वेंकटेश और जगपति बाबू फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।